उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं तथा विद्या प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कोई कोई बात मत करे माता जी, चुपचाप बैठ। तथा कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सौनका ऋषि और ये सुख गोस्वामी को, उन्होंने 6 प्रश्न किया था। कितना प्रश्न किया था? पहला प्रश्न किया था आत्मा को शांति कैसे मिले। दूसरा प्रश्न क्या था? बोलो जोर से, बोलो जोर से। कौन बोले? हाँ बोलो। मन का दर्पण साफ करने का क्या करते हैं? हाँ सच तरीके। और तीसरा प्रश्न क्या था? इसलिए कल हम लोग 2 प्रश्न का उत्तर श्रवण किया था। पहला प्रश्न था आत्मा की शांति कैसे मिलेगी, इसका उत्तर है श्री सुतो गोस्वामी ने बताया। हरे कृष्णा माता जी, हम बच्चे बात नहीं करते। इसलिए पहला प्रश्न का उत्तर था आत्मा को तभी शांति मिलेगा जब ये जीवात्मा परमात्मा की भगवान की शरण में जाएगा, तभी इसको कर्म शांति मिलेगी। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी उनने 7 उदाहरण देकर समझाया। कितना उदाहरण? 7। उन्हें 7 चीज को उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। वो कहते हैं बारी मध्य हैत्री सिकता ते बरुते। मतलब है अगर कोई सोचे पानी को मंथन करते करते हमने घी निकाल लिया, आप बताओ पानी को मंथन कर से घी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो कहते मैं इसको कभी मान सकता हूँ। अगर कोई बोले रेती को पीस पीस करके तेल निकाल दिया, बताओ रेती से कभी तेल निकलेगा कि नहीं? कहते इस बात को मैं कभी मान सकता हूँ। अगर किसी ने बोल दिया खरगोश के सींग आ गया है, खरगोश के सींग कभी होता है? कहते ये चीज भी मैं मान सकता हूँ। 14 उदाहरण दिए। अगर किसी ने बोला बांझ का बेटा हो गया, अरे बांझ तो इसीलिए बेटा है नहीं तभी तो बांझ है ना। अगर बोले बांझ का बेटा है, बोले इसको मैं कभी मान सकता हूँ। अगर कोई बोले आकाश में फूल खिल गया, आकाश में कोई फूल खिला हुआ देखते हो कि किसने देखा है? नहीं देखा। कहते इसको मैं कभी मान सकता हूँ। अगर कोई बोले कछुआ की पीठ के ऊपर बाल आ गया है,
उसका इतने कचरा का पीठ इतना टान है, इतना कठोर, कभी वहाँ बाल हो भी नहीं सकता, और इसको भी मैं कभी मार सकता हूँ। अगर कोई बोले बर्फ के ऊपर में आग जल रहा है, बर्फ के ऊपर कभी आग जला देखे हो? गोस्वामी जी करके ये नौ उदाहरण दिया है, ये असंभव कभी संभव हो सकता है। लेकिन अगर कोई बोले हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते, लेकिन हम संसार में सुखी है, गोस्वामी जी कहते हैं कभी मान नहीं सकता हूँ भगवान की भजन के बगैर कोई जगत में सुखी हो सकता है। रावण जैसे व्यक्ति को शांति सुख मिला नहीं, इतने ऐश्वर्य दुनियादारी पा करके हम कितने पैसा कमाएंगे, कितने बीवी बच्चे होते तो शांति सुख मिले। इसलिए कहते शांति तभी मिलेगी जब भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। प्रभु के भक्ति के बगैर कहीं शांति सुख तुम्हें मिल नहीं सकती है। इसलिए ये कहते शांति तभी मिलेगा जब प्रभु की भक्ति करेंगे। दूसरा प्रश्न था, कलयुग में भगवत प्राप्ति के सबसे सरल उपाय क्या है? क्या सरल उपाय था बोलो? हरिनाम। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बोले, कलयुग में ज्यादा कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं। कलयुग में जो कुछ कर ठाकुर का हाथ का ठाकुर को सेवा मान कर करो, जो कुछ कर ठाकुर जी की सेवा मान कर करो, हाथों में तो काम करो और मुंह में भगवान का नाम लो, बस ये सबसे सरल उपाय है भगवत तो प्राप्त करने का। भगवान के नाम जप करने चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कारण है। बोले देश काल और पात्र, ये तीनों अवस्था में प्रभु का नाम को ले सकते हैं। देश मतलब होता है ऐसे नहीं जब केवल हम भारत में हो तब भगवान का नाम जप कर सकते हैं, विदेश में हो तो नहीं कर सकते, ऐसे कोई बात नहीं, कहीं भी भगवान का नाम को ले सकते हो। काल, काल मतलब है ऐसे नहीं केवल सवेरे ही प्रभु का भजन कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते, नहीं कर रात में नहीं कर सकते, भगवान का नाम कभी भी ले सकते हो, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं। देश काल, तीसरा है पात्र। पात्र मतलब ये नहीं केवल हिंदू ही भगवान का नाम ले सकते हैं, ये नहीं तो कोई शूद्र हो, नहीं तो कोई क्रिश्चियन हो, नहीं तो कोई मुस्लिम हो, भगवान का नाम नहीं ले सकते। क्या तो भगवान की भजन में सभी अधिकार है, इसलिए बोले जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं, कभी किसी समय कोई भी भगवान का नाम को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए रामायण में सुने होंगे, बोले एक समय जब पुल बन रहा था, भगवान सीता जी को उद्धार करने के लिए कहाँ जाएंगे? लंका जाएंगे। भगवान राम बैठे हुए थे और जितने बंदर सबके सब पत्थर ला रहे थे, और हनुमान जी सबको ऊपर में श्री राम का नाम लिख करके वो पानी में छोड़ रहे थे, और ये पत्थर पानी के ऊपर में फैल रहा था, और सीमेंट सीमेंट कहाँ से लाएंगे? एक पत्थर ऊपर रा और एक पत्थर ऊपर माँ, जब लिखते थे अपने आप को जुड़ते जा रहा था, सीमेंट का काम कर रहा था। भगवान राम को देख देख कर बड़े आश्चर्य हो रहे थे, बोले भैया मेरे नाम में इतनी शक्ति है, इतने शक्ति मेरे नाम को लिखने पर पत्थर भी तैर रहा है। भगवान ने सोचा मैं भी एक दो पत्थर उठाकर फेंक करके देखता हूँ, ये तैरता ना ये डूबता है। भगवान ने सोचा अगर सबको सामने डूब जाए ना फिर तेरे मेरे नाकन कट जाएगी। बोले प्रभु का नाम को लिख करके छोड़ रहे तैर रहा है, प्रभु राम स्वयं पत्थर फेंके तो पत्थर डूब गया। बोले थोड़ी सी मैं झाड़ी के अंदर में जा करके पत्थर फेंक करके देखता हूँ। प्रभु जी एक पत्थर उठाए और पानी में फेंके, देखा वो डूब गया, तो ये क्या हो रहा? और एक पत्थर उठाए फेंका वो भी डूब गया, तो ये क्या हो रहा? हनुमान जी ने देखा प्रभु राम गए कहाँ, अभी थे अभी गए कहाँ, अभी ढूंढते ढूंढते देखा जैसे बच्चे पत्थर उठा उठा करके पानी में फेंकते हैं, प्रभु बच्चे जैसे पानी में पत्थर फेंक रहे। हनुमान जी छट प्रकट हो गए, भगवान राम तो सोच रहे थे कोई देख नहीं होगा, लेकिन हनुमान छट प्रकट हो गए,
इतने में राम पर तू कहां से आ गया, मैं तो सोच रहा था कोई है ही नहीं। बोले प्रभु आपके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम के चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम के चले ना हनुमान के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना, प्रभु आपके बगैर तो मैं रह नहीं सकता। प्रभु ये बताओ आप बच्चे जैसे पत्थर को उठा उठा कर पानी में क्यों फेंक रहे थे? बोले हनुमान जी मेरे मन में शंका थी। बोले किस चीज की? बोले तुम लोग मेरे नाम को पत्थर को ऊपर में लिख लिख करके छोड़ते हो, पानी में तैरता है, मैं स्वयं राम जब पत्थर फेंकता हूँ डूब जाता है, ये मेरे समझ में नहीं आता है ये क्या रहस्य। बोले प्रभु ये तो सीधी सी बात। बोले सीधी सी बात, समझ में नहीं आ रही। बोले प्रभु ये पत्थर क्यों तैर रहा है? चूंकि उसको ऊपर में आपका नाम लिखा हुआ, आपका नाम भी जो सहारा लेगा वो कभी डूब सकता है? वो तो तैरेगा ही, फिर ये डूब क्यों रहा है? अगर आप किसी चीज को उठा करके फेंक रहे मतलब क्या है? आप उसको त्याग दे दिया, आप उसको छोड़ दिया, जगत का मालिक आप हो। अगर आप किसी व्यक्ति को अगर त्याग दे दोगे वो कभी तैर सकता है? वो क्या होगा, वो तो डूब ही जाएगा, इसलिए डूब रहा है। बोले ओ यही बात में समझ में नहीं आ रही। देखो इसलिए बोले राम ना सके नाम गुण गाई, भगवान के नाम में इतने शक्ति है, भगवान भी अपना नाम की महिमा ठाकुर भी स्वयं नहीं बता सकते हैं। आप लोगों ने कोई बीज बोए हो खेती में? कोई कौन कौन बीज बोए हो? माता जी एक माता जी हाथ उठा दो। आप देखना जब गेहूं का नहीं था धान का कभी देखे होंगे जमीन में कैसे बोते, ऐसे ऐसे फेंक देते ना, आप देखना ऐसे ऐसे लेकर के फेंक देते हैं। जब फेंक देते हैं तो कल खड़े खड़े की कथा बोलने की, ठीक है? इसलिए काफी जगह लिखो, दोनों बैठे बकरे मार रहे हो, काफी जगह लिखो, इसलिए तुम लोग को भी लिखना चाहिए। तो एक बार कथा सुनो जैसे पंडित हो जाने चाहिए। हरे कृष्णा। देखो हम दुनिया की बात बहुत बोलते हैं लेकिन भगवान की बात बोले ना उसमें लाभ है, इसलिए काफी देर सब बैठनी चाहिए, चुपचाप बैठी है। इसलिए यहाँ पर बताए आप देखना जब खेती में बीज बोते हैं ऐसे ऐसे फेंक देते ना गेहूं का हैं, गेहूं में धान और जमीन में ऐसे, लेकिन आप देखना वो बीज उल्टा पड़े नहीं तो सुलटा पड़े, लेकिन जो पेड़ होता है कैसे होता है? बोला वो सीधा होता है, हैं? कहते उसी तरह भगवान का जो नाम है अगर किसी तरह से भी प्रभु का नाम लोगे ना, लेकिन उसका जो फल है ना वो कभी उल्टा पुलटा नहीं होगा, फल पूरा पूरा सीधा होगा फल है भगवान का नाम। इसलिए बोले कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय रख लिया, कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, क्या करो भगवान का नाम को जप करो, बिना पैसा बिना परिश्रम बिना कष्ट से ही भगवान का नाम हो जाता है। दूसरे दूसरे युग में जैसे द्वापर युग में भगवान को कैसे प्राप्त करते थे? अर्चन पूजा करके, धूप दीप नैवेद्य हपुर चंदन कर्पूर लाओ पंचामृत लाओ भगवान का, पैसा की खर्च होता है। सत्य युग में यज्ञ करते थे, एक यज्ञ करने के लिए पता नहीं कितना पैसा खर्चा हो जाएगा, लेकिन कलयुग में भगवान को पाने के लिए बिना पैसा बिना खर्चा बिना परिश्रम में भगवान का नाम होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बोले सुलभम भगवत नाम, भगवान ये नहीं कहते बेटा अगर तो मेरे नाम जब करो ना तब तो पैसा देना पड़ेगा, भगवान बोलते हैं, बोलते हैं सुलभम भगवत नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, ये जिह्वा को जैसे बोलो ना भगवान का नाम कर ये क्या करेगा, जिह्वा प्रभु का नाम करना शुरू कर देगा। बोले तथापि नरकम जाति, बोले देखो इतने सुलभ भगवान नाम दे दिया, बड़ा आश्चर्य की बात है, कलयुग में तभी जीव नरक जा रहे, इतने सरल रखने पर भी जीव क्या कर रहे नरक, तभी ये जीव जा रहे। इसलिए समय को नष्ट नहीं करके क्या करनी चाहिए, भगवान की नाम को जप करनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना है, भागवत में आए हो 7 दिन में ऐसे बन जाओ
परीक्षित महाराज को 7 दिन में मुक्ति क्यों मिली है? 7 दिन में उनको मुक्ति क्यों मिल गई? कारण है उन्होंने भागवत में जो कथा सुनी है ना उसको अपना जीवन में उतारा। इसलिए बोले स्वता तीन तरह के, बोले स्वता स्वता और सरता है। इसलिए जो कथा को ऐसे नहीं किधर सुने और इधर निकाल करके चले गए, इधर सुन करके इधर निकालना नहीं, एक कान को बंद कर देना, एक कान को बंद कर देना। जैसे कथा इधर सुन करके वो कथा अंदर में जानी चाहिए, कथा बाहर निकलनी नहीं चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए हम इसको सुन रहे थे, इसलिए कहते बदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ज्ञानं मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यते। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं भगवान एक ही है। भगवान कितने हैं? हम कहते हैं ना भगवान एक है, ब्रह्म एक है, लेकिन वो एक होने पर भी इनका तीन रूप है और इनका तीन तरह का भक्त है। देखो इसको सुनना, कल इसको मैं पूछूंगा, देखूंगा कौन मेरे को बोल पाता है। भगवान एक ही है, अच्छे किसी चीज को अच्छे तरह समझ लो, नहीं तो कभी कभी ना हमारे जो हिंदू लोग कभी भ्रमित हो जाते। क्यों? कोई कहता है भगवान निराकार, कोई कहता है भगवान पहले निराकार थे और निराकार से साकार, कोई कहते नहीं परमात्मा को हृदय में ध्यान करो, और कोई कहते हैं लड्डू गोपाल को पूजा करो, राधा कृष्ण नित्य सीताराम को पूजा करो। लोग तरह तरह से भ्रमित है, लेकिन यहाँ पर सुतो गोस्वामी ये चीज को तुम क्लियर कर देते। इतनी सी बात अगर समझ गए ना फिर तो तुम्हारी बुद्धि को कोई भ्रमित नहीं कर सकते है। अच्छे तरह से सुना, वो एक ही भगवान है, उनका तीन रूप है और तीन रूप को भक्ति करने वाले तीन भक्त है। कहते कौन कौन किसको, कौन किसको भक्ति करते हैं? कहते जो भक्त लोग भगवान को निराकार कहते हैं, कहते उनको कहते हैं ज्ञानी। वो लोग क्या चाहते हैं? ये सत्ता को वो ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो, ये सत्ता को ब्रह्म ज्योति में जो निराकार रूप में उसको लीन कर दो, इनको कहते हैं ज्ञानी, जो भगवान को निराकार मानते हैं। दूसरे तरह का भक्त है जो अपना अंदर में एक अंगुष्ट परिमाण जो परमात्मा उसको अपना हृदय में ध्यान करते हैं, इनको क्या कहते हैं? कभी इसको योगी कहते हैं। और एक तरह का व्यक्ति है जो कि अपना घर में सीताराम हो, नहीं तो राधा श्याम राधे श्याम हो, नहीं जैसे लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखे हो, कोई कोई व्यक्ति ये साकार भगवान को उपासना करते हैं, इनको कहते हैं भक्त, इनको कहते हैं भक्त। इसलिए ये भगवान के तीन रूप है और तीन रूप को तीन लोग अलग अलग से उनको पूजा करते हैं। अभी यहाँ प्रश्न होता है सही कौन है, इसमें सही कौन और गलत क्या है, इसको सही क्या और इसमें गलत क्या है, और सही उनकी उपासना कैसे होता है, हैं? ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो। कर जैसे अभी आम का सीजन, जैसे मार्केट में बड़े यहाँ सबसे बढ़िया आम कौन सा आम? दशहरा का चोसा, हापुस। इसलिए जैसे मार्केट में मन बड़ी सुंदर आम आया, एक राजा ने एक सेवक को बोला आपने देखो हमने सुना मार्केट में बड़ी सुंदर आम आया, जाओ तो देख कर क्या। वो पहला व्यक्ति गया, देखा सचमुच से दुकान में एकदम पीले पीले रंग के आम बिक रहा है। वो केवल देख करके वहां से आ गया, बोले महाराज बड़े सुंदर आम है, चोसा बड़े सुंदर आम। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को भेजा, बोले तू देख करके आया। वो भी गया, वो देखा, पहला व्यक्ति तो देख करके आ गया था, दूसरे व्यक्ति ने देखा, पास में गया, जब उसको हाथ लगाया देखा पका हुआ आम, जब उसने सूंघा उसमें बड़ी खुशबू है। वो भी वापस आया, महाराज बोले आम कैसे है? बोले महाराज देख करके आया हूँ, एकदम पका हुआ आम, बड़ी सुंदर सुगंध है। राजा तीसरे सेवक को भेजा, भैया तू देख करके आ। जब तीसरे सेवक गया वो देखा, स्पर्श भी किया, सूंघा भी, बोले भैया 5 किलो आम दो। 5 किलो आम को लाए, अच्छे ठंडा पानी में भिगवाया और ठाकुर जी का अनुया करके तुलसी पत्ता लगाकर भोग लगाया। जब आम को खाया ना बड़ा मीठा आम है। राजा ने पूछा बताओ आम कैसे? बोले महाराज बड़ा सुंदर मीठा आम है। देखो ये तीनों को आम मिला कि नहीं, मिला कि नहीं तीनों का आम?
लेकिन ये तीनों को मिलने पर क्या बराबर सबको मिला है? बोलो बराबर ना। इसी चीज को दिमाग में बैठा, ठीक है। इसलिए पहला व्यक्ति जिसको भेजा जो केवल आम देख करके आ गया, ये कौन है? कभी ये ज्ञानी है जो भगवान को केवल एक निराकार मान करके उपासना करता है। क्या तो भगवान कैसे है? वो तो निराकार, उनका कोई तो रूप है, वो तो ब्रह्म ज्योति है। दूसरा जो व्यक्ति को भेजा, जो पास में गया, स्पर्श भी किया, सूंघा और वापस आ गया, कहते ये कौन है? और ये योगी लोग है। वो क्या करते हैं? अपना हृदय में एक अंगुष्ट परिमाण परमात्मा को हर समय ध्यान करते हैं। कहते ये योगी, कहते ये ज्ञानी से ये योगी श्रेष्ठ है। वो तो केवल दूर से देख करके आ गया, लेकिन इसने स्पर्श भी किया, सूंघा भी। और जो तीसरा व्यक्ति को भेजा, उसने देखा भी, सूंघा भी, स्पर्श भी किया और आम ले करके भी आया और ठाकुर को भोग भी लगाया और उसको खाया भी, खाया भी। तब ये कौन है? बोले ये भगवान की भक्त है, ये भगवान की भक्त है। आप बताओ तीनों में आम पूरा रूप में किसको मिला है? बोलो किसको मिला? हाँ, इसलिए आप कहीं नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान है, कहीं नहीं कहते योगी का भगवान, कोई नहीं कहते कर्मी का भगवान। भगवान किसके हैं? भक्त के। इसलिए 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 कहते भक्त वत्सल भगवान। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए हमें जो उपासना करनी चाहिए कि जो साकार भगवान लड्डू गोपाल है, घर में सीताराम है और हमारे राधे श्याम भगवान लक्ष्मी नारायण मथुराधीश, इनको ही हमें भक्ति करनी चाहिए। हमें निराकार रूप को भजन नहीं करनी चाहिए हमें। और जो भगवान को प्राप्त कर लेते वो पूर्ण रूप में उनको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कल भजन गा रहे हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँको, भूल गए ठाकुराई सबसे ऊंची। बोले प्रेम के बस उन्होंने क्या किया? बोले झूठा बेर खाए, किसके? सबर के झूठा बेर खाए और बहु भी तो स्वाद बताई सबसे ऊंची। अगर वो निराकार होते तो रथ को जान सकते थे, अब निराकार होते तो कभी भगवान झूठे बेर खा सकते थे? बोले दुर्योधन की सभा में जब वहां पर राजस्व यज्ञ हो रहा था, भगवान ने क्या किया? झूठे पतल को उन्होंने ठाकुर जी उठाए, झूठे पतल पतल ठाकुर जी उठाए और दुर्योधन की मेवा त्यागे साध विदुर घर खाई। ठाकुर जी जब शांति दूत बन करके दुर्योधन को पास में गए, तो देख दुर्योधन ये पांडवों को ज्यादा चीज की जरूरत नहीं, केवल इनको पांच गांव दे दे और सब तुम सब कुछ तुम भोग कर, और केवल पांच गांव दे दे। दुर्योधन ने किया, बोले पांच गांव की बात कह रहे हो? बगर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, तू कह दो पांच गांव दे दे। दुर्योधन पहले से सोच रहा था कि ग्वाला कृष्ण है, इसको बढ़िया बढ़िया खाना खिला करके ना खुश करके अपना हाथ की मुट्ठी में करूंगा। बोले बोले कृष्ण एक काम करो, पहले अपना भोजन कर, उसको बाद में फिर बात करेंगे। कृष्ण ने कहा देख तीन जगह पर एक व्यक्ति भोजन करता है, कितने स्थान पर? कहाँ कहाँ? बोलो बोलो कहाँ पर खाते? सुन लो, अगर किसी काम के लिए आप गए हो, अगर तुम्हारी वो काम बन गया ना, सोचते भैया काम बन गया चलो भोजन कर लिया, दूसरे जगह पर खाते हैं, अगर आप भूखे हो है कुछ भी बना हो और तो हम खा लेते हैं, तीसरा जगह पर खाते हैं, अगर कोई आपका प्यारा दोस्त हो ना उसका घर में अगर गए हो दोस्त की मान रखा करने के लिए, भैया ठीक है ले आप भोजन कर लो। इतने में कृष्ण ने कहा मेरे को तो भूख गई, क्यों आपका काम में तो परिपूर्ण मेरे को भूख गई नहीं। दूसरी बात हम जिस काम के लिए आए काम भी नहीं होना, तीसरा बात अगर तुम मित्र होता तो खा ही लेता। दुर्योधन ने कहा मैं क्या तुम्हारी मित्र नहीं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले पांडव मेरे भक्त है, मेरे भक्तों का जो मित्र वो मेरे मित्र है और मेरे भक्तों का जो शत्रु है मेरा शत्रु है, इसलिए तुम्हारे घर में नहीं खाऊंगा। बोले कहाँ खाओ? बोले कहीं खा ही लूंगा। तो उन्होंने गए विदुर जी को घर में गए, उसी समय विदुर जी बाहर गए थे, घर में विदुरानी
जब देखा मेरे घर में परमात्मा परमेश्वर आए, भगवान मेरे घर में आए, कहाँ बैठाए, कैसे सेवा करी, भगवान को किसी तरह से आसन दिया, देखा केला रखा हुआ, केले को ला करके केले का छिलका तो खिला रही थी लेकिन केले को फेंकते जा रहे। इतने में थोड़ी देर बाद में बिदुर जी आए, आ करके देखा तो केले का छिलका खिला रही है, बोले पागली तू क्या खिला रहे हो, केले का छिलका खिला रहे हो, ठाकुर जी बड़े प्रेम से खा रहे थे। इतने में उसको बुदबुद आया, बोले तो सतगुरु से केले का छिलका खिला रहा है, होश आया तो केला खिलाना शुरू की। कृष्ण ने कहा बिदुर जी पहले केले के छिलके में जो स्वाद आ रहा था ना, अभी वो केले में वो स्वाद नहीं आ रहा है, मैं केला भी नहीं खाता हूँ, केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल प्रेम का ही भोजन करता हूँ, प्रेम का भोजन करता हूँ। इसलिए भगवान प्रेम के भूखे प्रभु, और प्रेम ही सार है, और प्रेम से उनको भजन करो तो प्रेम से बड़ा पार है। इसलिए उनका नाम श्री भक्त वत्सल है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई जय कोई जय बोल रहे, और कुछ कुछ लोग का तो मुंह से वाणी नहीं निकलता। मैंने पहले बताया ना, ठाकुर का जितने जोर से जय लोगे, जय अपना जय होगा, भगवान का थोड़ी जय, उसका तो जय जी का, जोर से बोलो बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी लग रहा है जयकार में ताकत है। इसलिए कहते भगवान प्रेम में वशीभूत होकर के हैं, कहते उन्होंने क्या किए, बोले बन गए हर नाई। एक हर नाई था, नाई जानते हो कि नहीं, जो बाल कटवाते हैं, एक हर नाई था, लेकिन वो बड़ा कृष्ण भक्त है, हैं? ये रोज इसका काम था दुर्योधन की बाल कटाए, उसको शरीर में तेल मालिश करे, इसका रोज काम था, लेकिन इधर था बड़ी कृष्ण भक्त है, भगवान के भक्त है। एक दिन क्या हुआ, जिस दिन जिस समय में उसको दुर्योधन की सेवा करने के लिए समय आया, उसी दिन घर में कुछ संत आ गए। वो बड़े संत से उनको जानता है, भगवान कहाँ रहते हैं, संतों के हृदय में रहते हैं। अगर संतों को खुश कर दिया ना, ठाकुर अपने आप खुश हो जाते हैं। इसलिए बड़े संत से भी कृष्ण भक्त है। ठीक उसी समय में संत लोग आ गए, ये हर नाई तो बड़े चक्कर में पड़ गया, अभी क्या करे, अगर ये दुर्योधन की सेवा करने के लिए जाए संत सेवा छूटेगा, अगर संत सेवा अगर छूटेगा तो फिर क्या होगा, अरे जो दुर्योधन का सेवा मिलेगा, अभी क्या करनी चाहिए। उन्हें सोचा ये दुष्ट का तो सेवा करता हूँ, लेकिन संतो सेवा तो बड़े भाग्य से मिलते हैं, और संतों के हृदय में ठाकुर जी रहते हैं, अगर संत अगर खुश हो गए तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, अगर ठाकुर जी खुश हो गए तो सारा दुनिया ही खुश हो जाएगा। सोचा आज जो कुछ होगा देखा जाए, घर तक बहते हुए गंगा जब दरवाजा के सामने आ गई, भाई इसमें गोता लगा ही देनी चाहिए। इसलिए जो कुछ होगा देखा होगा, उनने संतों के लिए बड़े सुंदर सुंदर रोटी सब्जी बनाई और ठाकुर को भोग लगाया और उनने संतों को भजन कराया। इतने में कृष्ण को चिंता पड़ी, देखो ये चीज को समझो, हम कहते ना अरे भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, भगवान की भक्ति से क्या होता है, देखो भक्ति करने से क्या होता है, अगर तुम्हारी विश्वास हो तो। जब उसने संत सेवा में लग गए, अभी ठाकुर जी को चिंता लग गया, क्या चिंता लग गया, ये दुर्योधन दुष्ट है, अगर ये टाइम से ये सेवा नहीं करेगा तो हो सकता है नौकरी चली जाएगी, नहीं तो उसको जेल में बंद करके दंड दे सकता है। इधर स्वयं कृष्ण वो हर नाई का रूप धारण करके दुर्योधन के पास में पहुंच गए और उनका शरीर में तेल लगना शुरू कर दिया। कौन लगा रहे, बोलो भगवान लगा रहे। और जब भगवान का हाथ उसका शरीर को स्पर्श किया ना, उसका रोम रोम खिल उठा, बोले तेरे हाथ में क्या कोई जादू है ना क्या, क्योंकि जब तुम मेरे शरीर को स्पर्श करते हो मेरे रोम रोम खिल रहा है, आंखों से आंसू बहने शुरू हो गया, क्यों घूम रहे, बैठो वहां पर। इसलिए जब ये शरीर में हाथ लगाता है क्या हो रहा है, मेरा रोम रोम खिल रहा है। वो इतने खुश इतने प्रसन्न हो गया, जीवन में कभी इतनी खुशियां उसको मिली नहीं। उसकी गले में जो हार था ना गजमती हार, उसको निकाल करके उसने नाई को गला में पहुंचा पहना दिया। लेकिन वो नाई कौन था, बोलो जोर से, नाई भगवान था, कृष्ण स्वयं नाई रूप धारण करके आए। इतने में और तो
चला आया, जब चला आया तो नाई संतों की सेवा करते हुए पहुंचे। जब पहुंचे सोच रहा था हो ना हो दुर्योधन निकाल देगा सेवा से, नहीं तो कोई दंड देगा, दुष्ट है। जब पहुंचा जाकर के प्रणाम करते हुए बोला आज आने में मेरी देर हो गई, घर में कुछ संतो आ गए थे उनको सेवा करते करते मेरी देर हो गई, माफ कर देना। दुर्योधन ने कहा क्यों, तुम आज मेरी इतने सेवा की, कभी मेरे को इतना आनंद नहीं मिला, आज मेरे को इतने आनंद मिला है। लेकिन उन्होंने हार तो पहनाया कृष्ण को गला में, लेकिन वो हार अपने आप आ गया नाई गला में, लेकिन वो नाई को पता नहीं मेरे घर में गले में ये हार है, हैं? इतने में दुर्योधन बोले क्यों आज तुम इतने सेवा की, इतना आनंद कभी मेरे को मिला नहीं। बोले नहीं मैं आ नहीं पाया, सदर में संत आ गए थे। बोलो तेरे को इतने कीमती हार दे दिया ना इसलिए तुम एट रहे हो, तेरे को अभिमान आ गया। बोले नहीं मैं आ नहीं पाया, उसको पता नहीं गले में हारा हार है। दुर्योधन ने कहा तेरे को हार दे दिया ना अभिमान आ गया। दुर्योधन हार वैसे पकड़ा और छीन लिया। जब छीन लिया उसने कहा भैया मेरे गले में हार कहां से, मेरे गले में तो हार थी नहीं, वो तो भगत था। वो समझ गया भैया आज मैंने संतों की सेवा की ना इसलिए ठाकुर जी मेरे रूप धारण करते हुए आए, और ये दुष्ट की सेवा ठाकुर स्वयं किया है इसलिए कह रहा है आज मेरे को जितने आनंद आया कभी इतना आनंद मुझे आया नहीं। देखो अगर भगवान के लिए सेवा करते हो ना ठाकुर जी हैं एक चीज विश्वास करनी चाहिए, इसलिए ना कहते करते हो तुम कन्या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। भगवान कहते मेरे तरफ में एक कदम तो बढ़, तेरे तरफ में मैं दस कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन एक कदम बढ़ा करके तू देख, एक बार दस कदम बढ़ा करके देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ। इसलिए उस दिन हम सुन रहे थे ना भगवान क्या कहते हैं, बोले अन्यश्चिंत जे जना पर चुपाते तेसांग नित्याभिजुक्ता नाम जोगाक्षयम वहां अहम। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं जो व्यक्ति अनन्य रूप में मेरे भजन करता है मैं उसके लिए दो काम करता हूँ। क्या करता हूँ, घर में जो चीज नहीं उसको सर पर रख कर घर में पहुंचाता हूँ, और जो चीज है मैं स्वयं एक चौकीदार बनकर उसको देखभाल करता हूँ, चौकीदार बन जाता हूँ। भगवान कहते हैं इसलिए ठाकुर जी ऐसे करने वाले, इसलिए क्या करो विश्वास करके भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्णा। भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। तब ऐसे जो भगवान ये युग युग में अवतीर्ण होकर के क्या करते हैं, दुष्टों को विनाश करते हैं और संतों को पालन करते हैं। इसलिए भागवत में भगवान की 26 अवतार की कथा है। कितना अवतार, 26 अवतार की कथा है। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार, भगवान किस रूप में आए ठाकुर जी, चतुष्ण रूप में आए, ये ब्रह्मा का सर्वप्रथम ये मानस पुत्र है, हैं ये 26 अवतार में। ये चतुष्ण है इनका उम्र कभी बड़ा नहीं होता है, हर समय ये 5 साल में ही रहते, इससे कभी ज्यादा होते ही नहीं। बोले इनका उम्र बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, ये 5 साल में क्यों रहते, कारण है ये हर समय प्रभु की भजन करते हैं। कहते कथा मात्र का जीवन, इनका जीवन कृष्ण कथा ही जीवन है। अगर कोई सुनने के लिए मिले ना कथा सुनाना शुरू कर देते, अगर कोई है नहीं एक भाई तो व्यास गति पर बैठ जाएगा और तीनों भाई बैठ जाएंगे, जैसे आप लोग बैठे हो ना बैठ जाएंगे बस ठाकुर की कथा शुरू हो जाएगी। कभी जो सूरज ये काल है कि किसका परमाय को ये नष्ट करता है, पर उसी को परमाय को नष्ट करते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं ये परमाय कभी उनको नष्ट नहीं करता है, इसलिए इनका परमाय कभी नष्ट होती ही नहीं। इसलिए कभी भगवान की ये पहला अवतार है ये श्री सनत सनातन सनातन और सनत कुमार, ये भगवान की
ये पहला अवतार ठाकुर जी के हैं। इसलिए जो दूसरा जो अवतार ठाकुर जी के कहते बरहा अवतार है। हाँ, कहते हैं शाम का समय में चार काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? क्या क्या है? पहला नंबर, ठीक शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए। इसलिए शाम का समय में जो व्यक्ति सोएगा ना, देखना उसके घर में कभी लक्ष्मी आएगी नहीं। वो निर्धन होकर के गरीब होकर घूमता रहेगा। इसलिए कभी भी शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए। दूसरा नंबर है, एकदम शाम का समय में उसको भोजन नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति शाम का समय में भोजन करेगा, ठीक सूर्यास्त हो रहा है, वो हर समय बीमारी में रहेगा, उसको बीमारी कभी जिंदगी में सही नहीं होगी। तीसरा काम है शाम का समय में, कहते एकदम बच्चों को पढ़ने नहीं चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? उसी समय जो चीज पढ़ोगे ना, वो चीज मैं याद नहीं रहेगी। इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना, बच्चा तो घर में पढ़ता है ठीक, लेकिन जब एग्जाम में जाता है भूल जाता है, भूल जाता है। इसलिए संध्या का समय में नहीं पढ़नी चाहिए। और जो चौथा काम है स्त्री वास, मतलब पति पत्नी उस समय मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी समय जो बच्चा होगा वो राक्षस होकर जन्म लेगा। इसलिए कैसे बोले, श्री कश्यप जी इनकी पत्नी थी दीति, वो राजकुमारी ठीक शाम का समय में शीशा के सामने खड़ी होकर के बड़े सुंदर अपना शरीर को सजग श्रृंगार करके अपना रूप को देख करके शीशा में वो इतने कामातुर हो गई, इतने काम में मुग्ध हो गई, कश्यप जी को पास में गए, उनसे जोर जबरदस्त मिलने के लिए चाहे। कश्यप जी ने कहा, देखो दीदी ये समय अच्छी समय है, ये इसी समय शंकर जी अपना भूत पिशाचों को लेकर भ्रमण करता है। इसलिए अगर तुम संग करोगे तो तुम्हारे कर्म में राक्षस जन्म होगा। लेकिन वो इतने काम में आतुर हो गई कि जो जबरदस्ती पति से मिले। कश्यप जी ने कहा, तुमने अच्छी काम नहीं, तेरे गर्भ में राक्षस जन्म। देखना कभी कभी, देखो इसको कहते गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार मतलब होता है जिस समय गर्भ में बच्चा, जिस समय में गर्भ में आता है, अगर वो सर्व सही होना, देखना वो बच्चा इतना आज्ञाकारी तुम्हारी बच्चा होगा, सवेरे उठे चरण छुएगा, आप जो बोलोगे उसको बात सुनेगा, हैं? इसको कहते गर्भाधान संस्कार है। इसलिए देखना कोई कोई बच्चे एकदम पिता माता का बात नहीं सुनते हैं। इसलिए हम कहते हैं, लगता है ये पूर्व जन्म का कोई शत्रु हमारे बेटा बनकर के आ गया। बोलते ना पूर्व जन्म कोई शत्रु बेटा बनकर के आया, इसलिए इसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार माता के यहाँ देखो सुनो, गर्भ संस्कार कहते हैं जब तुम्हारे पेट में बच्चे हो, अगर उल्टा पुल्टा तुमने फिल्म में देखा डिस्को डांस उल्टा पुल्टा, वो बच्चा गर्भ सही दुष्ट बन देता है, क्योंकि आप माँ जो करता है वो बच्चे के ऊपर वही संस्कार पड़ता है। रामायण देखे हो, देखना जिस समय माता सीता गर्भवती थी बड़े बड़े संत लोग आए वहां पर अयोध्या में, और वहां पर बड़े सत्संग हुई। भगवान राम कहते बोले सीते, जानते हो आज ये संतों को हमने क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया, अभी तुम गर्भवती हो, अगर इसी समय में तू सत्संग सुनोगे तुम्हारे बच्चा संस्कार बनकर जन्म लेगा, संस्कार बनकर के जन्म लेगा बच्चा। और बच्चा कौन हुए? लव और कुश हुए। कितने छोटे बच्चे हुए, क्या रामायण गा रहे थे, भगवान स्वयं बैठ गए जिसकी रामायण सुनते थे जिनकी, और क्या बलवान हुए, सबको पछाड़ दिया उन्होंने, है? इसलिए कहते इसको गर्भाधान गर्भ संस्कार इसको कहते हैं। इसलिए गर्भ में संतान रहते समय माता को गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का जप करो, वो बच्चा देखना गर्भ से जो कुछ उतर के उसको ऊपर में वही संस्कार करती बच्चे के ऊपर में। अभी उनका दो बच्चे कौन हुए? हिरण्यनाथ और हिरण्यकश्यप। इतने राक्षस हुए पूरा दुनिया में टहलका मचा दी, ऐसे राक्षस बच्चे हुए उन्हें, हैं? इसलिए लेकिन दीति ये काम तो की, लेकिन बाद में दुखी हुई, अपना पति को चरण में गिर पड़ी, बोले पतिदेव मैं कामातुर हो गई थी, मेरे अपराध दूर कर दो, मेरी गलती हो गई। लेकिन गलती मानी तब उन्होंने आशीर्वाद दिए, ठीक है बेटा का तुम्हारा राक्षस होगा, लेकिन जो बेटा का बेटा होगा ना वो भक्त होकर जन्म लेंगे। वो कौन हुए? इसकी कथा हम आगे सुनेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान की जो तीसरा अवतार भगवान के लिए, कहते ये भगवान बराह देव हुए, कहते बराह देव ने किया कि
बोले ये पृथ्वी रसातल में चली गई थी, जिस समय मन महाराज अब ये सृष्टि की करना चाहते हैं, बोले सृष्टि करेंगे काम कुछ तो है ही नहीं। तब ब्रह्मा जी जब छींके उनको नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ और धीरे 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 बढ़ते 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 इतने विशाल रूप धारण किया। वो कौन हुए? बोले भगवान श्री वराहदेव हुए और उन्हें पानी में छलांग लगाई और पृथ्वी को उन्होंने लेकर के दंत अग्रह में धुरी पर स्थापना की, फिर ये जगत का सृष्टि कर प्रारंभ हुए। भगवान की जो चौथा अवतार है कभी ये नर नारायण ऋषि रूप में ठाकुर जी हुए। बोले कहाँ पर? बोले बद्रीनाथ में ठाकुर जी नर नारायण ऋषि रूप में तपस्या कर रहे। बद्रीनाथ गए हो आप लोग? कहीं जाते नहीं, घर में बैठे रहते, इसलिए देखो देखो जो भारत में है ना, इधर सुना, भारत में बड़े बड़े देवता लोग भी भारत में जन्म लेना चाहते हैं, हैं? देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं, केवल भारत, इसका नाम है भारत। क्या नाम है? भारत। मतलब क्या? भा मतलब प्रकाश, रत जो हर समय प्रकाश में रहते रहते हैं। प्रकाश क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम ही यही प्रकाश है। हर समय जो प्रकाश का तरफ में रहते रहते हैं कभी वे भारतवासी, वे सब के सब भारतवासी है। इसलिए केवल भारत को छोड़ करके गंगा कहीं ढूंढने के लिए जाओ, गंगा कहीं मिलेगी आपको? यमुना नदी, यमुना नदी कहीं ढूंढने के लिए जाओ, यमुना मिलेगी? सरस्वती कहीं मिलेगी? गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं मिलेगा? अयोध्या कहीं मिलेगी? वृंदावन कहीं मिलेगा? बड़े भाग्य से जन्म हुए हो, इसलिए क्या करनी चाहिए? थोड़ी थोड़ी वृंदावन में जाओ, गोवर्धन में जाओ, थोड़ा चार धाम जाओ घूम करके। कौन कौन जाना चाहते हैं? हाथ उठा दो। आपको सबको हम एक बार प्रोग्राम बनाएंगे, सब घूमाएंगे। कौन जाएगा? सब जाओगे? इस बार अगली बार आपको हम जगन्नाथपुर ले जाएंगे, ठीक है? वहाँ की रथ यात्रा दर्शन कराएंगे। अभी से थोड़ी थोड़ी पैसा जमा करें, छुपा छुपा करेंगे ना, रोज रोज 10-10 रुपया रखेंगे। रोज रोज कितना रखोगे? हाँ, ऐसी जगह पर जैसे निकले नहीं, रथ यात्रा का पहले कसम खोलना, ठीक है? बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कभी केदारनाथ जो बद्रीनाथ है इसको विशेष महत्व है। बोले भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं? इसका कारण बताए। बोले एक समय श्री नारद जी सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया, घर घर में गए और सबसे पूछे, सब तुम लोग कुशल मंगल में है ना? ऊपर तो बोले हम कुशल मंगल है, लेकिन जब अंदर की किसकी बात पूछे ना, देखा संसार में कोई भी कुशल मंगल है नहीं, सबके सब दुखी। जब उन्हें वैकुंठ में गए, देखा वैकुंठ में भगवान अनंत नाग पर सैन्य की हुए माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बोले प्रभु जी, आप दुनिया को आपने सृष्टि किया है, दुनिया आपका है, सब आपकी संतान है, और मैंने घर घर में जा करके देखा सबके सब दुखी, संसार में कोई सुखी नहीं, लेकिन आप तो यहाँ आनंद ले रहे। तब बोले नारद जी, बताओ क्या करनी चाहिए? बोले प्रभु, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो काम करते हैं ना, उसका जो नीचे जो व्यक्ति आते हैं वही वही काम नीचे व्यक्ति उसको देख कर सीखते हैं। जैसे पिता माता जो करते हैं, बच्चे उसको देख देख करके बच्चे भी उसको ही सीखते हैं। बोले बताओ क्या करनी चाहिए? बोले अगर आप थोड़ी सी भजन करेंगे, आप थोड़ा साधन करोगे, आपको देख करके जीव भी वो भी भजन करेगा, हैं? इसलिए क्योंकि बगैर भक्ति के बगैर जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले भगवान, बोले ठीक है मैं जाता हूँ, कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए। ढूंढते ढूंढते पहुंचे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो गए वो देखे होंगे, कौन गए खाली? बड़े सुंदर स्थान है बद्रीनाथ, वहाँ अलका नदा बह रही है, बड़े सुंदर वहाँ पर नर नारायण पर्वत वहाँ पर है और वहाँ पर तप्त नदी है, वहाँ पर तप्त कुंड है, बड़े सुंदर गर्म पानी भी वहाँ पर, बड़े सुंदर गर्म पानी भी है, बड़ा सुंदर स्थान है। वहाँ पर सरस्वती वहीं पर निकली, व्यास कर वहीं बैठ करके ये भागवत ग्रंथों को उन्होंने वहीं पर बैठ करके लिखे, अपूर्व स्थान है। अब तो पहले तो जो ये चार धाम पहले जाते थे, अंतिम समय में जाते थे और घर में बोल करके जाते थे, हमारी अंतिम क्रिया करते, और हम वापस नहीं आ पाएंगे। क्यों?
पहले जाने का कोई उपाय साधन नहीं था, छोटी सी रास्ता होती थी, पेड़ को पकड़ पकड़ करके जाया करते थे और जाते जाते कहीं बीच में खत्म हो जाते, इतने कठिन था। लेकिन अभी इतना सुंदर बन गया, सब जगह पर रोड हो गया। अब 10 दिन में ये चार धाम को घूम करके, 10 दिन में ये चार धाम करके घर में वापस आ सकते, तो इतने आसानी हो गया है, बड़ा सुंदर हो गया है। इसलिए अभी तो टूरिस्ट प्लेस, होटल वोटल सब, अभी किसी चीज की कमी नहीं, बढ़िया बढ़िया खाओ घूमो और आनंद लेकर के आओ है। एक बार आपको 10 दिन में सब कुछ घुमा कर भी ले आएंगे, चार धाम कम से कम देखो तो जिंदा रहते रहते चार धाम क्या होता है। इसलिए वहां पर भगवान ने बोले ये कलयुग का जो जीव है वो एक तो भजन करेगा नहीं है, भक्ति नहीं करेगा, अगर कोई कष्ट करके ये बद्रीनाथ में आ जाए, मैं जो साधन करता हूँ अगर मेरे को एक बार दर्शन केवल कर ले, मेरे को दर्शन मात्र से ही, मैं जो भजन कर रहा हूँ साधन कर रहा हूँ उसका छठवां भाग का फल उसको अपने आप मिल जाएगा। केवल ठाकुर जी को अगर किसने केवल दर्शन मात्र अगर ठाकुर जी कर लो, माता जी थोड़ी समय बैठ जाओ, लास्ट में करना, अभी जब नहीं एक दो घंटा बाद में आएंगे, इसलिए बैठ कर कथा सुन। इसलिए जो कुछ करना ना पहले सब करके सब बैठ जाना, कथा बैठ जाओ इधर तो घूमना नहीं। इसलिए उन्होंने इतने महिमा बद्रीनाथ को केवल दर्शन मात्र से ही, इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं कि बद्री नारायण रूप में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने सारे अवतारों का नाम दिया, मत्स्य कुर्मा वराह नृसिंह वामन सब लेते लेते उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि जो कृष्ण है ना ये कृष्ण भी एक अवतार है। इसको बोलते ही श्री सुतो गोस्वामी तो दुखी हो गए, डर गए, बोले मैंने बोल दिया कृष्ण भी एक अवतार है, लेकिन ये कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं है। बोले तो फिर ये कृष्ण कौन है, कहिए कृष्ण अवतारी, कृष्ण अवतारी। अवतारी का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो चीज, जैसे घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं ना, वो देखने में लगते हैं छोटे, लेकिन छोटे नहीं बड़े खोटे हैं, वो देखने में लग रहा है बैठे चुपचाप है, ये साधारण नहीं। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी इनको सबको वर्णना करते करते अंतिम में कहते हैं, बोले एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृणयन्ति जुगे जुगे। बोले हे सौनकादि ऋषियों, ये जितने अवतार देख रहे हो, ये मत्स्य कुर्मा वराह नृसिंह वामन परशुराम राम, बोले जितने अवतार हैं ये कौन है, ये जो कृष्ण की अंश के अंश है, लेकिन ये कृष्ण कौन है, बोले ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म सनातन ये कृष्ण है। इनसे ही ये सारे अवतार आते हैं, जिनकी एक एक लोम रूप में एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड जिनकी एक एक लोम रूप में विद्यमान। इसलिए आप लोग भगवान की विराट रूप देखे होंगे, महाभारत देखे हो, जब गीता की उपदेश दे रहे थे है, गीता की उपदेश देते समय अर्जुन जब युद्ध नहीं करना चाह रहा था, उसी समय में उन्होंने उन लोगों को विराट रूप दर्शन दिए, देखे कि नहीं, कौन कौन देखे हो विराट रूप, हाँ देखे, हाँ इसमें शिक्षा की बात लो, इसमें शिक्षा किया है कृष्ण ने दिखाया, देखो अर्जुन तुम जिसको शंकर कहते हो, देखो वो शंकर मेरे अंदर में है, जिसको तुम माँ दुर्गा कहते हो, देखो ये माँ दुर्गा मेरे में ही है, जिसको तुम हनुमान कहते हो, देखो हनुमान मेरे में ही है, जिसको तुम गणेश कहते हो, देखो वो गणेश मेरे में ही है, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो, हे अर्जुन देख मेरे अंदर में कौन है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। इसलिए कृष्ण अंतिम में कहते हैं, हे अर्जुन मत्तः परतरम नान्य किंचित् अस्ति धनंजय, मतलब मेरे को छोड़ करके दुनिया में कुछ नहीं। उन्होंने के उदाहरण देकर समझाए, जैसे एक फूल की माला है, है? जैसे फूल की माला, लेकिन हमको क्या दिखता है कि केवल फूल ही फूल दिखता है, लेकिन ये फूल फूल नहीं, उसका अंदर में धागा है, वो धागा की वजह से एक एक फूल को दे दे करके एक माला बना है। अगर धागा को तोड़ दोगे फूल की माला रहेगी, वो नहीं रहेगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये विश्व ब्रह्मांड ये सब के सब मेरे अंदर में विद्यमान,
मेरे से कोई पर तत्व जगत में कुछ नहीं, विश्व ब्रह्मांड मेरे से ही सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। जदा जदा ही धर्मस्य, हाँ, इसलिए जब जब इस जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म हानि होता है। मैं ही युग युग में अवतीर्ण देता हूँ और जगत में धर्म को स्थापन करता हूँ, दुष्टों को विनाश करता हूँ। हाँ, ये चीज समझो, देखो अच्छे तरह से दिमाग में बैठाओ। जब हम कृष्ण को भक्ति कर लेते हैं, उसमें दो उदाहरण देकर बताया, जैसे एक पेड़ है, जैसे पेड़ की जड़ में जब पानी दे दोगे, आपका पेड़ का पत्ते फूल में पानी देने का जरूरत है नहीं। अगर पेड़ का जड़ में पानी दे दिया ना, वो सारे पेड़ हरा भरा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति पेड़ की जड़ में पानी नहीं दे, तीन बार उसको पत्ते को धो, उसका फल को धोए, उसका फूल को धोते रहे, लेकिन जड़ में पानी नहीं देगा, बताओ जड़ पेड़ जिंदा रहेगा? सूख जाएगी ना, सूख जाएगी ना। लेकिन अगर कहीं नहीं पानी देता है, जड़ में पानी दे देता है, क्या होगा? हरा भरा रहेगा। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे भोजन, हम भोजन कहाँ देते हैं? मुंह में देते हैं, मुंह में देते ना। अगर मुंह में भोजन दे दो, तुमको आंखों में, कानों में, नाकों में खाना देने का जरूरत है? जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति मुंह में भोजन नहीं देता है, थोड़ा आंख में डाल डाल दो, कान में एक रोटी दे दो, हाथ में फाड़ करके एक चावल दे दो, अब जिंदा रहोगे कि नहीं? जिंदा रहोगे? हाँ। उसी तरह जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति कर लेते हैं, सारा विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाते हैं, फिर तुमको इधर दर दर भटकने का कोई जरूरत नहीं। इसी देवी को पास में, उसी देवता को पास में, वो बाबा को कहीं जाने का जरूरत नहीं। जब कृष्ण भक्ति तुमने करती, इसलिए मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाला, ये चीज को समझो। जब गिरधर लाल कृष्ण को भक्ति करते हो, सभी का भक्ति अपने आप हो जाता है, इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए क्या करो, एक निष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। कृष्ण को भक्ति करने से जो 33 करोड़ जो देवता है, ये सब के सब खुश हो जाएंगे, ये सब के सब प्रसन्न हो जाएंगे। दर 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 तुमको भटकने का जरूरत नहीं। जगत में 33 करोड़ देवता है, कितना देवता? दिन में अगर 1 करोड़ देवता को पूजा करोगे, एक महीना में कितना पूजा होगा? 30 करोड़। फिर 3 करोड़ बाकी रह जाएगा ना। अब दिन में 1 करोड़ देवता को पूजा कर सकती हो? 10 देवता को, 25-100 देवता को पूजा कर सकते हो? नहीं कर सकती हो इतने को। और एक को मनाओ तो दूसरे मुंह खुला कर बैठ जाएगा, तीसरा को मनाओ तो चौथा मुंह खुला कर बैठ जाएगा, बैठ जाएगी नहीं कि नहीं? लेकिन जब कृष्ण को खुश कर दोगे ना, वाह, जब देवता को पता चलेगा भैया ये कृष्ण के शरण में गया हुआ है, फिर जितने देवता तुम्हारी अनुकूल बन जाएंगे, नहीं तो शनि देवता को पूजा करो, मंगल ग्रह लग जाएगा, मंगल को पूजा करो, शुक्र तुम्हारे पीछे लग जाएगा, शुक्र को देखो तुम्हारे पीछे में सोम देवता लग जाएगा, सब पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे पीछे। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति कर दिया तो क्या होगा, ये सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे मोदी, मोदी का नाम सुने हो? मोदी कौन है बताओ? मोदी कौन है? प्रधानमंत्री। उसने एक एक देवता को अलग अलग, एक एक मंत्री को, किसको वित्त मंत्री बना दिया, किसको रेल मंत्री बना दिया, किसको उसने अग्नि मंत्री बना दिया, अलग अलग मंत्री को उन्हें नियुक्त कर दिया उसने, है नियुक्त कर दिया। इसलिए किसने नियुक्त किया? मोदी ने नियुक्त किया है। उसी तरह ये मोदी कौन है? कृष्ण। ये कृष्ण नहीं, एक एक देवता को अलग अलग पोस्ट में दे दिया, लगा दिया। बोले ये पानी देने का काम इंद्र की, पैसा देने का काम लक्ष्मी की, बल देने का वो हनुमान जी की, उन्होंने एक एक देवता को उन्हें नियुक्त कर दिया, ये काम तुम सब करो। लेकिन जब कृष्ण शरण में कोई आ जाते हैं, जब उनको पता चलता है कृष्ण की व्यक्ति है ना भगवान, ये जितने देवता तुम्हारी अनुकूल में आ जाएंगे। अगर तुम कृष्ण भक्ति नहीं करोगे ना, सारे देवता तुम्हारी पीछे पड़ जाएंगे, सारे देवता तुम्हारी पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए कृष्ण भक्ति एकनिष्ठ होकर क्या करो, भगवान कृष्ण की भक्ति करो, उनकी भक्ति से सबका भक्ति अपने आप हो जाएगा। और सबके सब, जैसे कृष्ण का शरीर में सब कुछ है, जब तुम कृष्ण के चरण में प्रणाम किया, ये 33 करोड़ देवता का चरण में तुमने प्रणाम कर लिया कि नहीं? अगर अलग 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 करोगे तो कितना समय लगेगा? दिमाग में बैठ गया कि नहीं? इसको दिमाग में बैठ गया,
राइट कितना बड़ी बात, बड़े बड़े भाग्य की बात है, नहीं तो इधर उधर भटके कर रहेंगे, नहीं तो उसको पास में जाएंगे, उसको पास में जाएंगे, घूमते रहोगे है। इसलिए एकनिष्ठ होकर भगवान कृष्ण की भक्ति करो। एक बार हाथ उठाकर बोले बोला हरे कृष्णा Yeah.
निकल नहीं देते। अगर जैसे युधिष्ठिर महाराज या प्रभु
जब जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी आप हमें रक्षा किया है, अभी तो संपत्ति मिला, राज्य मिल गया हमें, अभी तो रहकर कुछ दिन आनंद तो ले लो। कृष्ण बोले ठीक है, कुछ दिन रह गया था, हम रह गए। कृष्ण फिर जब जाने के लिए तैयारी होते हैं, इतने में भीम आ जाता है, बोले क्या बड़े भाई की बात सुन करके रहोगे, मेरे बात पर नहीं रहोगे? बोले ठीक है तेरे लिए भी कुछ दिन। फिर जब फिर जाने के लिए तैयारी होते ना, फिर अर्जुन आ जाता है, कृष्ण को घर से निकलने नहीं देते, एकदम निकलने कृष्ण को नहीं देते। एक दिन कुंती बुआ ने आकर के भगवान कृष्ण को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रही थी, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो प्रभु बोले कृष्णाय, मतलब तुम्हारी जो कृष्ण रूप को जो भजन करते हैं जगत में वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? वासुदेवाय। बोले वसुदेव महाराज। बोले क्यों? बोले आप जगत पति जगन्नाथ हो, जगत का पति जगन्नाथ है, लेकिन आए तो इसकी बेटे बन करके आए। बोले वसुदेव महाराज का बेटे बन, जगत पति जगन्नाथ दुनिया का पिता, लेकिन पिता किसको बनाए? वसुदेव महाराज को। बोले वसुदेव महाराज बड़े भाग्यवान है, आपको पिता बनाए। बोले उनसे भी श्रेष्ठ। बोले कौन? बोले देवकी माँ। किसकी पेट में भगवान आए? किसकी गर्भ में? 8-9 महीना तो किसकी गर्भ में रहे? हम कथा सुनेंगे, भगवान का गर्भ में विश्व ब्रह्मांड है, लेकिन विश्व ब्रह्मांड जिनकी पेट में, वो किसकी पेट में आए? देवकी। इसका मतलब है कि पिता का जितना सौभाग्य है उससे ज्यादा सौभाग्य किसके है? माँ की, क्योंकि माँ के पेट में ही बच्चा आता है, और माँ की गोद में ही ज्यादा करके बच्चा लालन पालन कौन करता है? माँ करती है। बच्चा अगर टाटी पेशाब करके पिताजी के पास में आए, पिता गोद में ले जा, माँ के पास में जा, किसके पास भेज देगा? माँ के पास में भेज देगा। इसलिए माँ जब साफ सुथरा कर देती है ना, फिर पिता क्या करते हैं? फिर गोद में उसको ले लेते हैं। इसलिए कहते पिताजी से ज्यादा सौभाग्य माँ की है। कहते इनसे बड़े कौन है? बोले इनसे बड़े हैं ब्रज में श्री मैया जसोदा और नंद बाबा, क्यों? कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए हैं, लेकिन जन्म कहाँ हुए हैं? गोकुल में। इसलिए नंद के आनंद भाई हो जय कन्हैया। इसलिए कल हम लोग बड़े धूमधाम से जन्म कृष्ण की जन्मोत्सव मनाएंगे, ठीक है? इसलिए आप लोग जितने आए हो कल बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर आना, और कौन सा रंग है? सब पीले रंग। कौन सा रंग है? दूसरा रंग की नहीं, अगर नहीं हो तो दूसरा से उधार करके पैसे दे। लेकिन कौन सा रंग पहनना है? पीला। कौन सा? एक लिंग के लिए उधार ले लेंगे, ठीक? पीला रंग। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोशिश करना जितना हो सके पीला रंग को कपड़े को पहनने के लिए कोशिश करना, नहीं हो तो कोई भी पहन करके आओ, लेकिन अगर पीला हो तो बढ़िया है, ठीक है? इसलिए अभी भगवान प्रकट हुए तो मथुरा में, लेकिन किसकी गोद में? लालन पालन ने किसने किया? जसोदा का लिया। पल्ले में किसने झुलाया? मैया जसोदा। इसलिए नंद की महोत्सव कहाँ पर हुआ? गोकुल में है। इसलिए बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम इनसे बड़े कौन है? बोले राधा रानी, क्योंकि हर गोपियां, अरे सामने को बैठ, इधर उधर देखो, उधर मत देखा, पर क्या हो रहा है मेरे तरफ में देखो। इसलिए
इसलिए गोपियां भी जिनकी चरण की पूजा करती है किसकी? श्री राधा रानी। इसलिए भैया कुंती कहती है फिर कन्हैया, जितने तुम्हारी सब भक्त हैं, लेकिन जो तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ भक्त है ना, ये श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। कुंती कहती है भगवान के शरीर में 8 कमल है। कितना कमल है? 8। गिनो क्या क्या है? कहते नेत्र कमल, जब उनकी आंखों को उदाहरण देते हैं, नेत्र कमल, दो नेत्र दो कमल हो गया। कहते उनका हस्त कमल कितना हो गया? 4 हो गया। नाभि कमल कितना हो गया? और चरण कमल, और उनकी मुख कमल। इसलिए भगवान के शरीर में कितना कमल है? 8 कमल है। अभी प्रश्न है उनको कमल को साथ में क्यों उदाहरण किया? बोले कमल फूल देखे हो? कौन कौन देखे हो कमल फूल? देखे हो। इसलिए जो कमल है ना, उसका मधु सबसे बेस्ट मधु है। और कमल जो फूल देखने में, देखने पर आंखों को बड़ा आनंद देता है, इसलिए भगवान को कमल को साथ में उदाहरण दिया। भगवान कृष्ण देखने में बड़े सुंदर है। जब यहाँ पर कुंती बुआ स्तुति कर रही थी, कृष्ण बोले बुआ जी आज तू तो वृंदा गुला रह रहे हो, बाहर रहे हो, तू तो मेरी, मैं तो तुम्हारी भाती जा, तुम तो मेरी बुआ है, नियम है मुझे तुम्हें प्रणाम करनी चाहिए, लेकिन तू उल्टा मेरे को प्रणाम कर रहे हो, है तू तो उल्टा गंगा बह रहे। बोले कन्हैया यही तेरी माया है, सारा दुनिया का मालिक तो तू हो, लेकिन किसको बेटा, किसको भैया, किसको बुआ क्या बना दिया तुमने? बोले कन्हैया तेरे को समझना बड़ा कठिन है, मैं भी ब्रज में एक बार तुमने मक्खन मटकी फोड़ दी, मटकी फोड़ दी तो मैया ने भागते भागते गई और तेरे को पकड़ ली, और एक हाथ में डंडा, एक हाथ में तेरे को पकड़ कर रखी। उसी समय में तू सिसक करके रो रहा था, और मैया ने जो मोटी मोटी काजल लगा दी थी, दोनों हाथ से मसल मसल रहा था, मल रहा था, जैसे गंगा जमुना की धार बह रही थी, और मैंने देखा उस तो कांप रहा था। बोले मैया मेरे को छोड़ दे, मैया ये लठिया फेंक दे, मेरे को डर लग रहा है, लेकिन मेरे को तो पता था दुनिया का मालिक तू हो। मैंने सोचा हाँ, जिनकी भय से काल भी थर 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 कांपते हैं, आज ये मैया की डर से कृष्ण कांप रहे थे। मैंने सोचा तो कोई नाटक नहीं कर रहा, जो उनको पता है ना कि कृष्ण भगवान है, है? और मैया की डर से कांप रहा है। मैंने ध्यान से देखा तो नाटक नहीं कर रहा है, देखा सचमुच से मैया से डरे हुए। इसलिए कन्हैया तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है। जब उन्होंने इतने बात बताई, इतने में कृष्ण ने कहा ठीक है बुआ जी, तो आज तुम्हारी मन में जो इच्छा पर से मांगे, जो कुछ वर मांगे। देखो कुंती भगवान से क्या वर मांगती है, बोले विपति संत ने साक्षात तत्र तत्र जगत। बोले कृष्ण अगर मेरे को देना चाहते तो मेरे झोली में तो विपत्ति भर दे, लेकिन हम ठाकुर के पास में क्या मांगते हैं? बोले सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे घर का, जय जगदीश। भगवान को बोल रहे ठाकुर जी हमारे साथ दुख कष्ट मिट जाए, हैं तनको हैं सुस्ता रहे, घर में संपत्ति धन दौलत आ जाए। लेकिन वह कुंती क्या मांग रही है? मेरे को विपत्ति दे दो। बोले उन्होंने विपत्ति क्यों मांगती? कारण क्या? बोले कारण है कहते ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अब जो सुख में जो सुमिरन करे दुख ऐसा, इसलिए कहते सुख के मां के सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बली हरि और दुख को जो पल पल नाम जपाए। आप लोग बताओ तो सही सही बताओ, झूठ नहीं कहना। आप बताओ दुख में ज्यादा स्मरण करते हैं ना सुख में ज्यादा स्मरण करते हैं? बोलो दुख में ना। इसलिए यहाँ पर भैया कुंती कहती है बोले प्रभु जिसको पास में 4 चीज होगा ना तेरा भजन नहीं करेगा। ये जिसको पास में 4 चीज क्या? 1 चीज अगर किसको पास में हो जाए वो तेरा भक्ति नहीं करेगा। बोले क्या है? बोले जन्म। जिसको कोई उच्च कुल में जन्म हो जाए अभिमान आ जाते, अरे हम कितने बड़े ब्राह्मण, हम ये हम हो गए, हमको भक्ति भक्ति करने का क्या जरूरत है। अरे ऐश्वर्य, जिसको घर में ज्यादा पैसा हो जाए, देखना वो भक्ति नहीं करेगा, वो भक्ति नहीं करेगा, कथा में भी नहीं आएगा, सत्संग में भी नहीं जाएगा। लेकिन देखना जुआरी, वो पास में बैठा हुआ रहेगा,
जहाँ शराब वहां बैठा रहेगा, उल्टा पुलटा लोग के पास में बैठा रहेगा, लेकिन कथा में नहीं आएगा वो व्यक्ति। क्यों? ये पैसा के बाद अभिमान है। इसलिए कहते जन्म ऐश्वर्य श्रुत, श्रुत मतलब होता है अगर थोड़ी सी उसको ज्ञान, कोई PhD कर ले, थोड़ी सी लिखाई पढ़ाई ज्यादा कर ले, अरे हम इतने लिखे पड़े, ये कथा बता के बोल जाता है, वो नहीं आएंगे कथा में। है स्त्री, स्त्री मतलब होता है जिसका चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए, है कितना हीरो हीरोइन, तब जिसको थोड़ी सी चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए। ये कुंती कहती है प्रभु ये व्यक्तित्व वाले नहीं करेंगे सबके सब, ये सबके सब अभिमान ही आ जाए, अभिमान आता है इनके शरीर में, ये तरह भक्ति में नहीं जाएगी, भजन में नहीं जाएंगे, लेकिन उल्टा पुलटा काम में देखो दिन भर पड़े हुए हैं, हैं उल्टा पुलटा काम लेकिन तेरे भजन भजन नहीं करेंगे। इसलिए कुंती कहती है बोले प्रभु मेरे झोली में ना विपत्ति भर दो, बोले इसका प्रमाण देखो, जब जब हम जंगल में भटकते रहे, जब जब तेरे को हमने याद की, तब तक तुमने हमारे घर पास में आ, हमको विपत्ति से तुमने रखा की, अभी घर में संपत्ति आ गई, मैं राजमाता बन गई, युधिष्ठिर राजा बन गया, और द्रौपदी ये राज है, राज वधू ये बन गया, घर में पैसा आते ही अभी तुम घर हमको छोड़ना चाह रहे, लेकिन जब जब विपत्ति पड़ी, जब जब तेरे को बुलाए, तब तक तुम हमारे घर में आए और हमें मदद किया, हमें दर्शन दिया, इसलिए ऐसे संपत्ति हमें नहीं चाहिए जिस संपत्ति आने पर अभिमान और अहंकार आ जाए और तेरे भक्ति से हम दूर हो जाए, इसलिए हमें ऐसे ऐश्वर्य नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं सूख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। देखो यहाँ पर एक प्रश्न होता है, क्या भक्तों घर में दुखी दुख है? ये दुख मांग रहे हैं प्रभु हमको दुख दे दो, इसका मतलब क्या घर में दुखी दुखी है? नहीं, ये कुंती भैया दुख नहीं मांग रहे, क्या मांग रही है? कहते प्रभु आपको हमें जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो, जिस अवस्था में तुम क्यों मेरे को नहीं रखे, लेकिन हर समय जैसे तुम्हारी हमारी स्मरण होते रहे, हर समय तेरे को हम याद करते रहे, हमारे ऊपर भी तू इतना आशीर्वाद करो, लेकिन दुख नहीं मांग रही है, वो मांग रही है तुम्हारी स्मरण हर समय हो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे दर्शन करते करते ठाकुर जी को नाम लेते लेते ठाकुर जी का चरण को अपना हृदय में धारण करते हुए ये अंतिम श्वास को मैं त्याग करूं, ठाकुर का ये इच्छा है। पितामह भीष्म को कुछ ऋषि लोग आए हुए थे, कृष्णा पांडव को लेकर के पितामह भीष्म के पास में गए, जाकर के ये जो पांडव लोग हैं एक एक करके प्रणाम कर रहे हैं पितामह भीष्म को, युधिष्ठिर अपना नाम को लेकर के, भीम अपना नाम को लेकर के, अर्जुन सब एक एक करके पितामह भीष्म को प्रणाम कर रहे थे, और पितामह भीष्म आंख बंद किए हुए थे, लेकिन अंतिम समय में कृष्ण भी प्रणाम किए, बोले अर्जुन का सारथी आपको प्रणाम कर रहा है। अर्जुन का सारथी कौन है? कृष्ण। उन्होंने परिचय दिया मैं अर्जुन का सारथी हूँ, जब उन्होंने इतना बोले ना पितामह भीष्म झटपट आंख खोल दी, क्यों वो कृष्ण को ही स्मरण कर रहे थे, समय आ गया शरीर छोड़ने का, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित तक मैं नहीं देख लूं तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, और दुर्योधन में 100 के 100 भाई मारा गए, अभी श्री युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन में बैठी गई, उन्होंने देखा अभी हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया, क्यों अभी राजा कौन बन गया? युधिष्ठिर बन गया, और युधिष्ठिर मतलब क्या? जो युद्ध में भी स्थिर रहता है, और ये 5 पांडव कौन है? ये सब के सब कृष्ण की भक्त हैं, लेकिन जब युद्ध हो रहा था एक तरफ में 11 पखों की सेना, इसको तरफ में ये दुर्योधन का तरफ में पांडव के तरफ में कितना सैनिक थे? 7 पखों, लेकिन चूंकि इनकी कृष्ण इनके सहायक थे, कृष्ण उनको मदद करते थे,
कहते ना जाके रखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जजगर बैर नहीं। अगर ठाकुर जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर में, भले ही सारा दुनिया तुम्हारी विरोध क्यों नहीं हो जाए, तुम्हारी कोई भी बिगाड़ नहीं सकते। हमारी सर के ऊपर में ठाकुर जी की हाथ रहनी चाहिए। जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने बोले अर्जुन का सारथी कितने में, उन्होंने आंख खोला देखा सामने भगवान खड़े, जिनको याद कर रहे थे वही सामने खड़े। इतने में किया हुआ श्री युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी, बोले दुखी इसलिए बोले मेरे वजह से कितने सैनिक मारा गए, कितने सैनिक मारा गए, कितने स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चे पिता माता पिता विहीन हो गए, कितने माताओं को गोद खाली हो गई। वहां पर ऐसे युद्ध हुई जैसे कहते खून की नदी गई वहां पर इतने। और युधिष्ठिर महाराज दुखी हो रहे थे, इसलिए दुखी हो रहे थे मेरे वजह से ये युद्ध हुआ है और मेरे वजह से इतने सारे पाप कर्म हुए। लेकिन वहां पर श्री हैं, वहां पर कृष्ण भीष्म को बोले बोले पितामह भीष्म आप थोड़ी सी कृपा करके इनको समझाओ, इसको युधिष्ठिर महाराज को समझाओ, इनकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, हैं इनकी वजह से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है वो विधाता हैं विधि की विधान से सब कुछ हुआ है। तब पितामह भीष्म उनको समझाए बोले देख बेटा, जब कृष्ण को आप लोग महाभारत देखे होंगे, जब कृष्ण विराट रूप दिखाया आप देखे होंगे, उन्होंने दिखाया देख अर्जुन तेरे को युद्ध करने का जरूरत नहीं, तो देख मैं सबको पहले मार करके रखा, इसलिए निमित्त मात्र भव शब्द साची, तू कभी निमित्त मात्र बनो, ये सबको मैंने पहले मार करके रखा, तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, मैंने पहले सब करके रखा है, इसलिए तुम लोग दुखी मत होया करो। देखो और एक बात बताए बोले देखो समर्थ रहते कभी भी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने इतनी सी बात बताई ना, वहां पर द्रौपदी थी, इतने में द्रौपदी अपना मुंह में कपड़े रख करके हंसना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म ने बोले बेटी तुमने क्यों हंसी, बोले पिताजी कोई बात नहीं, बोले नहीं जो पतिव्रता स्त्री है जो साधी स्त्री है वो बिना कारण के कभी नहीं हंसती, जरूर तुम्हारी हंसने में कुछ कारण है, बता तू क्यों हंस रही थी। बोले पितामह मैं इसलिए हंस रही थी आप बताया समर्थ रहते कभी अन्याय को सहन नहीं करने चले। मैं ठीक तो बोला, बोले ठीक कब बोले, जब भरी सभा में मेरी लाज जा रही थी, दुशासन मेरे वस्त्र हरण करना चाह रहा था, 10,000 हाथी की ताकत उसके पास में, उसी समय आप भी तो वहां बैठे हुए थे, अगर एक शब्द आपकी मुंह से निकल जाता क्या कर रहे हो बंद करो, किसका हिम्मत था मेरी वस्त्र हरण करने का, लेकिन आप वहीं पर बैठी बैठी करे मेरे वस्त्र हरण आप भी देखना शुरू कर दिया। आप यहाँ उपदेश दे रहे हो अंतिम समय में समर्थ रहते अन्याय को सहन नहीं करनी चाहिए, आप बोले नहीं थे। देखो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया, देखो बेटी जैसे खाओगे अर्ना और वैसे बनेगा मन। ये दुर्योधन दुष्ट व्यक्ति था, इसकी अर्न खाते 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 मेरा मन है ना ये मैला हो गया था। ये अर्जुन ने बाण मार मार करके उसकी अर्न से जो खून बनी हुई थी अभी ये सारे खून निकल गया है, जब निकल गया अभी मेरा बुद्धि अभी सही हो गया, इसलिए मैं इतने सुंदर सुंदर उपदेश में दे रहा हूँ। इसलिए कहते हैं भैया पाप के द्वारा कमाया हुआ वस्तु को नहीं खानी चाहिए, तुम जैसे खाओगे तुम्हारे मन भी वैसे बनेगा, इसलिए सब उपाय में धन कमा करके और भजन करके ये मन शुद्ध रहेगा और ये मन अप्रिया ये मन भगवान की भजन में रहेगा। देखो कुछ व्यक्ति को बोलो थोड़ा भजन करना, क्या बोलेंगे, बोले समय कहाँ भजन करने के लिए, और क्या बोलेंगे, बोले बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा करके जाओ ना, क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा करके जाओ। देखा गुरु जी कहते थे बोले बच्चे के लिए ज्यादा पैसा कमा करके मत जाए करो, मेरे गुरुदेव मना कर देते थे, बोले क्यों मना करते थे, बोले देखो अगर तुम्हारी बच्चा अगर तुम्हारी बच्चा अगर हो ना होगा कमा लेगा, कहता अगर तुम्हारी बच्चा अगर होना रहोगा तो कमाई लेगा,
अगर बच्चा अगर बिगड़ गया ना, किसकी बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं? जिस पिता ने जितने ज्यादा पैसा रख करके जाते हैं, देखना उसका बच्चा उतना ही बिगड़ता ज्ञान मिलता है। अगर बिगड़ेगा ना, गुरु जी कहते थे एक दिन में सारे पैसा तो कमाया, एक दिन में खत्म कर देगा। आप लोग टीवी में देखना IPL आता है ना, मैच आती है, देखना लास्ट में उसमें जुआ लगा दे, लास्ट में मैं सारा दुनिया में जाता हूँ, एक व्यक्ति आए बोले बाबा क्या बताऊं, जिंदगी भर मैंने जो कमा करके रखा था, कहते 6 रन रह गया, अरे कौन जीतेगा, दोनों पार्टी में कौन जीतेगा, वहां करोड़ों करोड़ों पैसा लगा देते मेरे मेरे बेटा ने, जिंदगी भर का जो पैसा कमाया था IPL में, कुल 6 रन में ही सारे दाव पर लगा दिया। वो सोचा यही पार्टी जीत जाएगा, लेकिन जो जीतने का तो हार गया, हारने वाली जीत गया, सारा जीवन का पैसा खत्म कर दिया। इसलिए भैया जो समय है ना बच्चा हो तो क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की हरि नाम करो, भगवान की नाम जब करो, जो नाम तुम्हारी साथ में जाएगा, अंतिम समय तो प्रभु का नाम ही दे जाएगा ना, क्या जाएगा, प्रभु का नाम ही दे जाएगा। इसलिए नाम धन को जप करो ना, नाम धन को संचय करो। इसलिए मीरा क्या कहती है, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो हार। इसलिए असली जो धन है भगवान की नाम धन है, ये धन को कमाओ, ये धन जो कमाओगे जगत में सबसे बड़े आदमी आप ही बनोगे। इसलिए मीरा क्या कहती है, बोले ले लो रे कोई मेरा का प्यारा, आवाज लगाओ गले गले कृष्ण नाम के तेरे मोते, चिंतन करते करते आपका चरणों को हृदय में धारण करते हुए और आपका नाम को लेते लेते अंतिम श्वास पर मैं त्याग करना चाहता हूँ। अभी भगवान कृष्णा सामने खड़े हो गए ठाकुर जी और श्री पितामह भीष्म क्या कर रहे थे, ठाकुर को दर्शन करते करते ठाकुर जी का नाम लेते लेते उन्होंने अंतिम श्वास को उन्हें त्याग दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। और जितने देवता लोग थे सबके सब आकाश से सबके सब पुष्पों की बौछार कर रहे थे। बोले क्यों, कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम कहीं आवत नहीं। कहते जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवान का नाम उन्हें नहीं आता है। लेकिन देखो तो सही, ठाकुर सामने, ठाकुर जी सामने साक्षात खड़े हुए, लेकिन ठाकुर को दर्शन करते करते उन्होंने ये अंतिम विश्वास को त्याग किया। सारे देवता लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। बल श्री पितामह भीष्म की। लेकिन अभी क्या हुआ, कृष्ण ने बोले
युधिष्ठिर को बोले युधिष्ठिर अभी तक विदाई दो, अभी हम चाहता हूँ क्या अपना द्वारका में जाना चाहता हूँ। श्री युधिष्ठिर महाराज बोले अर्जुन जाओ, कृष्ण को तो पहुंचा करके कहा द्वारका में पहुंचा करके आओ। जब भगवान कृष्ण में चल रहे थे जिस गांव दे करके जाए उस गांव के गांव उमड़ पड़ते थे भगवान कृष्ण को स्वागत करते थे। ऐसे करते करते भगवान कहां पर पहुंचे, पहुंचे द्वारका में। भगवान द्वारका में पहुंचे, जब द्वारका में पहुंचे जितने उनकी महिषियां थी सबके सब भगवान कृष्ण को आरती उतारे, ठाकुर जी की पूजा की। लेकिन कृष्ण तो एक थे, लेकिन जब कृष्ण गए ना उनको 16108 पटरानियां थी, लेकिन कृष्ण तो एक थे, लेकिन कृष्ण जब गए उनको 16108 पटरानी क्या देख रही है, कृष्ण मेरे साथ में, कृष्ण मेरे साथ में, कृष्ण मेरे साथ में। कृष्ण तो एक थे लेकिन सबके सब देख रहे थे कृष्ण मेरे साथ में आए हैं, मेरे साथ में ही कृष्ण। लेकिन हो गया 6-7 महीना हो गया, अभी युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं अभी तक तो अर्जुन वापस नहीं आ रहा। एक दिन युधिष्ठिर महाराज की बाम आंखें, उनके बाम भुजा, बाम पैर फड़क रहा है, सारे अपशगुन दिख रहा थे, कौवा का का कर रहे हैं, सियाल चिल्ला रहे थे, कौ सबके सब जितने कुत्ते सबके सब चिल्ला रहे थे, सबके सब अपशगुन देख रहे थे। वही सब चीज तुम दिख रहा है, ये सारे अपशगुन दिख रहा है। देखते देखते देखा अर्जुन को आते हुए, अर्जुन को देखा और उसका पूरा चेहरा उतारा हुआ, शरीर में कोई तेज नहीं। युधिष्ठिर महाराज बोले क्या अर्जुन क्या हो गया, रास्ता में क्या तुमको कोई परास्त कर दिया, ना किसको बिना खाना खिलाए तुमने भोजन कर ली, ना अज्ञम रास्ता में तुमने गमन की, क्या बात क्या है। इतने में अर्जुन ने कहा बोले प्रभु जो भगवान कृष्ण के संसार छोड़ करके चले, सचमुच से उसका नाम हरि है, हरि मतलब सब कुछ जो हरण करके सब कुछ चले गए, सचमुच से उनका नाम हरि नाम है। उन्हें तो फूट फूट करके रोने लगे, बोले भैया आपको याद होगा, बोले किस बात में, बोले जब हम जुआ खेल रहे थे, जुआ खेलते समय अपने दाव में हर चीज को लगाते लगाते सब कुछ हार गए, लास्ट में रह गई द्रौपदी। इतने में युधिष्ठिर ने श्री दुर्योधन ने कहा अभी तुम्हारे पास में सबसे बड़ा संपत्ति कौन, द्रौपदी, द्रौपदी को भी जुआ में लगा दो। उन्होंने क्या किया, दाव पर उन्हें द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया, उन्हें द्रौपदी को भी हार गए। जब हार गए इतने में दुर्योधन दुशासन को आदेश दिया, बोले दुशासन अभी द्रौपदी राज रानी नहीं, अभी हमारी नौकरानी, जाओ पकड़ करके ले आओ उसको। उसी समय में वो रजस्वला अवस्था में थी और उसको पकड़ करके महाभारत देखे ना, द्रौपदी को कैसे खींच कर कैसे भरी सभा में ले आए और बोले इसको विभस्त्र करके मेरे जंघे के ऊपर इसको बैठा दो हैं। और उसी समय द्रौपदी आंख फाड़ फाड़ कर सबको देख रही थी, मेरे पांच पांच पति ये तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन ये सबके सब सर को नीचा करके बैठे हुए थे। जब उन्होंने कुछ बोले नहीं फिर देखा यहाँ पर पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहे। लास्ट में उन्होंने दोनों हाथ को उठा करके हे गोविंद रात शरण अब तक जीवन हारी, जब दोनों भुजाओं को हाथ उठा करके उन्होंने भगवान को पुकारे, कृष्ण स्वयं वस्त्र रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए बोले 10,000 हाथी बल घटो घटो ना 10 गज चीर, 10,000 हाथी की ताकत तो खत्म हो गया लेकिन 10 गज सारी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिसको भगवान रक्षा करते हैं कितना जा जरा के साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हो। भैया आपको याद है, बोले याद है, बोले आपको याद होगा जिस समय हमको वनवास हो गया, हार गए वनवास हो गया, लेकिन तब भी श्री दुर्योधन को चैन नहीं पड़ा, ये पांडवों कैसे नीचा दिखाए, इनको कैसे नीचा दिखाए। एक दिन दुर्वासा जी ये आए किसको घर में, दुर्योधन को घर में, दुर्वासा जी शंकर जी ने बता रहे और दुर्योधन तो खूब उनको भोजन खिलाया, वो खिला करके ना दुर्वासा खुश हो गए, बोले बताओ क्या करना चाहते हो। लेकिन दुर्योधन को पता है ये सूर्य देवता द्रौपदी को एक पात्र दिया है, उनका वरदान है जब तक तू भोजन नहीं करोगी ना
विश्व ब्रह्मांड को तुम खिला सकती हो, लेकिन जब तू भोजन है तो अगले को किसको भोजन नहीं करा सकती। इसलिए ये बात दुर्योधन को पता है, ये गुप्तचर से पता लगा रहा था कब ये द्रौपदी भोजन करके ये पात्र को धो धा कर कब पलट कर बैठ गई। फिर मैं ये दुर्वासा जी को भेजूंगा। जब दुर्वासा जी बोले वर मांगो, बोले जैसे आप हमारे ऊपर में कृपा की है, हमारे भाई लोग भी ये जंगल में रह रहे हैं, आप जाओ श्री युधिष्ठिर को पर कृपा करो। बस दुर्वासा तो 10,000 शिष्य बोले आ गए। जब आ गए इतने में युधिष्ठिर तो कांप उठे, बोले ये दुर्वासा की ये साक्षात कौन, ये काल आ गया, ये काल आ गई। थोड़ी सी में खुद संतुष्ट और थोड़ी सी में क्रोधित हो जाता है और किसको भी अभिशाप दे देते हैं, हैं? बोले तो काल आ गई। भीम को बोले जल्दी जल्दी जा द्रौपदी को पूछो, द्रौपदी क्या भोजन कर चुकी है। तब भीम से गया, बोले द्रौपदी तुमने क्या भोजन कर ली। बोले हाँ पहले तो ऋषि मुनियों को खिलाती हूँ, पहले तुम लोगों को खिला करके बाद में मैं भोजन करती हूँ, और भोजन करके पात्र को धो धाकर पलट करके मैं रख दिया। बोले द्रौपदी आज सर्वनाश हो गया, आज तो दुर्वासा 10,000 शिष्य लेकर के आए, ये तो साक्षात काल है, इनका मुंह में अभिशाप बैठा हुआ है, लगता है आज हमारा अंतिम दिन, हमें अभिशाप दे देंगे, हम सब के सब खत्म हो जाएंगे, अभी क्या किया जाए। तब युधिष्ठिर महाराज दुर्वासा जी को बोले आप जाओ स्नान करके आओ, आपके लिए हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। जब स्नान करने के लिए गए, पंच पांडव द्रौपदी को लेकर बैठे, बोले बताओ क्या करना चाहिए। तब बोले द्रौपदी एक काम करो, कृष्ण यद्यपि हम सबको प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेम ना तुम्हें करते हैं, सबसे ज्यादा तुमको प्रेम कृष्ण तुमको सखी बोल कर बुलाते हैं, अभी तुम याद करो कृष्ण को। बस द्रौपदी बैठ करके आंखों से आंसुओं को बहाते हुए कृष्ण को उन्होंने स्मरण किया। कृष्ण कहाँ थे, द्वारका, और बुला रहे कहाँ, वृंदावन कांपेवन में, हैं बुला रहे यहाँ पर, और कृष्ण कहाँ पर, द्वारका में। जब उन्होंने आंख बंद करके हृदय से भगवान को पुकारे, हे ठाकुर जी आज तेरे भक्तों को पर विपत्ति पड़ी है, मैं तो अपना लिए चिंता करती नहीं, लेकिन जो पंच पांडव तेरे भक्त, क्योंकि जब युद्ध से पहले कि जो कुंती ने उसने क्या की थी, कुंती ने वो पांडवों को ला करके कृष्ण को बोले, बोले कृष्ण मैं अपना पांच बेटे को मेरे तेरे हवाले कर रहा हूँ, ये तुमको रखा करना। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की, बोले बुआ जी ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, लेकिन इनका एक बाल भी कोई पंखा नहीं कर सकते, इसलिए तू कोई चिंता मत करो, है ये पांडव कृष्ण की भक्त है। और कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा क्या किए, कहते हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, कौनते प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणिशति, तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का कहीं विनाश नहीं होता है, तुम प्रतिज्ञा करो। इसलिए जब द्रौपदी ने आंखों से आंसू बहाते हुए जब भगवान को पुकारा, भगवान द्वारका में थे, रुक्मिणी छापन भोग छत्री से व्यंजन थाला में सजा करके कृष्ण को सामने धरे हुए कृष्ण भोजन करने जा रहे थे, इतने में द्रौपदी की आवाज कृष्ण को कान में टक रहा है, इतने में आया हुआ थाला को उन्होंने खिसका दिया। रुक्मिणी कहती है प्रभु भोजन करो, प्रभु भोजन करो। बोले नहीं आज भोजन तो मैं अपना सखी द्रौपदी को घर में आज मैं भोजन करूंगा। बोले प्रभु अगर आया हुआ थाला को अगर छोड़ करके जाओगे ना कहीं भोजन नहीं मिलेगा आपको। बोले मेरे पास में समय नहीं, अभी मैं जाना, और भगवान तेजी गति से कहां पर द्वारका से और कहां द्वारका कहां वृंदावन में आकर पहुंच गए, और द्रौपदी आंसू को बहाते हुए प्रभु को पुकार गई थी। इतने में कृष्ण आकर बोले द्रौपदी 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 तो आंख बंद की हुई थी, लेकिन कृष्ण की गला की आवाज कहां से आ रहा है, कृष्ण तो द्वारका में, और जब उन्होंने आंख खोल करके देखा ना और जिनको याद कर रहे थे वो स्वयं सामने खड़े हुए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोलो इसलिए द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं है, द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, इसलिए भगवान द्रौपदी जैसे बुला तभी आएगी। तो देखो एक समय द्रौपदी ने कृष्ण से प्रश्न की, बोले प्रभु जब मेरी वस्त्र हरण हो रही थी, अच्छे तरह से सुनो, जब मेरी वस्त्र हरण हो रही थी
मैंने आपको बड़ी देर से पुकार ली, अब आने में इतना देर क्यों? कृष्ण ने कहा द्रौपदी तुम सही सही बता, झूठ मत कहा करो, तुम क्या मेरे को दिल से पुकार रही थी? बोले प्रभु क्या दिल से नहीं, कैसे बाहर से पुकार रही थी? बोले तुम सही सही बताओ, झूठ मत कहा करो। जब तुम्हारे पास में दुशासन पहुंचा, अब तुमको बुलाए आने के लिए, तो इस समय क्या सोच रही थी? बोले मेरे पांच पांच पति, मेरे पांच पांच पति, ये क्या कर लेगा, ये हीरा मेरा क्या कर लेगा, पांच पांच पति, ये सोच रही थी ना? बोले हाँ प्रभु मैं तो सोच रही थी। बोले द्रौपदी जब तुमको पांच पांच पति रखा करने वाले, अरे मैं बीच में की बात था इसलिए मैंने नहीं आया। बोले द्रौपदी मैं आधा रास्ता में वापस गया, फिर मैंने थोड़ा नजदीक में भी आया था बचाने के लिए, तभी गया। बोले क्यों? पर तुम्हारा पांच पति जब तुमको रखा नहीं की उसी समय में, फिर तुम अपना गुरुजन पितामह भीष्म द्रोणाचार्य सबके सब उनको तरफ में देख रही थी कि जरूर कुछ ना कुछ बोले, देख रही थी कि नहीं? बोले हाँ मैं देख रही थी। बोले जब तुमको ये सब रखा करने वाले मेरे बीच में क्यों आता, इसलिए मैंने नहीं आया। बोले द्रौपदी एकदम पास में आ गया था तेरे को बचाने के लिए, तब भी मैंने वापस गया। बोले क्यों? जब कोई तुमको रखा नहीं की तुम अपना कपड़े को अपना हाथ में जोर करके पकड़ के रखी थी, रख दी कि नहीं? बोले हाँ प्रभु मैं रखी थी। बोले द्रौपदी जब तुमको रखा कर सकते हो मेरे बीच में क्यों आया? लेकिन मैंने तभी आया जब सभी की भरसा तुम्हारे छूट गई, देखा कोई तुम्हें बचाने वाले नहीं, जब दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद नाथ शरण अब तीवन हे कन्हैया तेरी सिवाय और जगत में कोई भी मेरे को बचाने वाले नहीं, तभी मैं जगत पैर में वस्त्र रूप में प्रकट हुआ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं देखो भगवान को एक मन से पुकारना चाहिए, दो मन से नहीं। अगर बोलोगे ये देवता क्या करेगा, वो देवता पूजा करेगी, ये देवता, भैया कृष्ण तेरी जगह से खड़े हैं, वो पहले से ही खड़े हैं। अगर हम सीधे बनेंगे ना ठाकुर जी सीधे बन जाएंगे, अगर हम भी टेढ़े बनेंगे भगवान पहले से ही खड़े हैं। इसलिए एक मन से उनको पुकार करो, दो मन से नहीं। एक इसलिए मीरा कहते ना मेरे तो गिरिधर गोपाला हाँ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं नहीं उसको पास में चलो, यहाँ काम नहीं बना तो उसको पूजा करो, यहाँ काम बने तो वो देवी को पास में चलो। भैया अरे कृष्ण तुमको बचाने नहीं आएंगे, बोले जाओ घूमते रहो सारा दुनिया में, घुमा घूमते घूमते जब परेशानी हो जाए ना मेरे मेरे पास में आ जाना। भगवान को एकनिष्ठ होकर के गोपियां उद्धव जी जब ब्रज में आए, उनको बोले ध्यान करने के लिए, गोपियां क्या कहती हैं? बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम सगे को आरे तीस। मन थोड़ी दस बीस है, मन जिसको तो एक को दे सकते हो, मन दूसरे को नहीं दे सकते हो, हैं एक को ही मन दे सकते हो। इसलिए किसको दो, ऐसे एक देवता को दो भगवान को, जो एक को पूजा करने से सबका पूजा हो जाएगी। वो कौन है आपको जो यहाँ बैठे ना देखने पूरे छोटे लगते हैं, वो बहुत छोटे हैं, वो दिख रहे हैं छोटे यहाँ बैठे हुए, सारा दुनिया को नाच नचाने वाले कौन है? ये कन्हैया ठाकुर जी, ठीक है ना। इसलिए एक मन से प्रभु को पुकारनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए यहाँ पर जब कृष्ण आए, द्रौपदी ने जब देखा भगवान कृष्ण आ गए ना, बोले बस सब काम हो गया, सब काम हो गया, कोई चिंता नहीं। इतने में कृष्ण आकर के बोले द्रौपदी मेरे सामने परसा हुआ थाला मैंने छोड़ देने आया, बड़ा भूखा हूँ इसलिए कुछ भोजन करा। बोले द्रौपदी, द्रौपदी बोले प्रभु इसलिए तो आपको बुलाया, ये दुर्वासा 10,000 से लेकर के आए, यहाँ तो कोई राजकोष है नहीं, बना करके आपको खिला दे इसलिए तो आपको बुलाए प्रभु। बोले द्रौपदी पहले तो खिलाओ कुछ बात में कर बोलोगे, मैं भूखा हूँ। बोले बटला ले आओ। बोले प्रभु आपको पता है मैं जब खा लेती हूँ फिर दुनिया में किसको खिला नहीं सकती हूँ, सबको खिला करके धो धा कर रख दिया। बोले लाओ तो सही, लाए ना ठाकुर को माया है, देखा एक घंटा उसमें एक चावल है, बोले एक गिलास पानी ले। जब उन्होंने एक गिलास पानी लाए, एक किड़ी का चावल को खाए और एक गिलास पानी पी करके भगवान जब डकार तोले, हैं बोले मेरा नाम विश्वम्भर है, विश्व ब्रह्मांड को जन्म भरण पोषण करने वाला, मैं तृप्त हो गया, ये विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। जब इतना बोले हैं, जब उन्होंने इतना बोल दिए, ये इतना ऋषि लोग सब स्नान कर रहे थे ना, इनका पेट इतना बड़ा बड़ा हो गया, ऐसे लग रहा था रसगुल्ला लेके भी चमचम रसमलाई,
और यहाँ तक खाई, ऐसे लग रहा था पेट इतना बड़ा बड़ा हो गया हजमला खाने का भी हिम्मत नहीं। बोले एक दूसरे को देख रहे भैया ये क्या हो गया, हमारा पेट इतना बड़ा बड़ा कैसे हो गया, हमें तो जो खाई नहीं एक दूसरे को देख रहे हैं। इतने में कृष्ण ने भीम को बुला लिया, भीम जाओ ऋषियों को बुला करके ले आ। बोले प्रभु ये काल को नौता क्यों दे रहे हो, काल है कि दुर्वासा जी हैं कि उनको नौ, बोले चिंता मत कर गदा लेकर के जाओ। भीम से गदा लेकर के आ रहा है, दूर से देखा ऋषियों ने, बोले भैया जरूर कुछ खाने पीने का व्यवस्था किए होंगे, लेकिन पेट ऐसे भरा हुआ जैसे उल्टी हो जाएगी, हजमला खाने का भी हिम्मत नहीं होगी, अगर भोजन नहीं कर पाएंगे ना भीम का गदा के नीचे नहीं पेट को फर्क पड़ेगा, फिर भागो यहाँ से। अरे भाग नहीं पा रहे थे, इतना पेट भरा हुआ, और जाते समय ना श्री युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते, बेटा तेरे शत्रु का विनाश हो जाए, उल्टा उन्होंने शत्रुओं को अभिशाप देकर गए, इतना शत्रु विनाश हो जाए। जब वहां भीम से पहुंचा वैदांत खाली कोई है नहीं, यहाँ पर कौन कह रहा है, अर्जुन युधिष्ठिर को कह रहे, बोले याद है भैया कितनी विपत्ति हमारे ऊपर में आई, लेकिन सारी विपत्ति से दूर किसने किया, कन्हैया ने किया है। आपको पता है जिस समय द्रौपदी को प्राप्त करना, द्रौपदी को साथ में किसकी शादी होगी, नीचे रहेगा तेल की कढ़ाई, ऊपर मछली घूमेगी, मछली ऊपर घूमेगी, उसका परछाई को देख करके निशाना आंखों में मारना पड़ेगा, जो काम कोई नहीं कर पाए कृष्ण कृपा से मैंने वो काम नहीं किया था, मैंने ये किया था। शंकर जी को भी मैंने छक्का छुड़ा दिया कृष्ण के आशीर्वाद से, शंकर जी को भी मैंने परास्त कर दिया, किसकी कृपा से किया है, करने के बाद ये कृष्ण कृपा से हमने किया। आज वो कृष्ण संसार छोड़ कर चले गए, बड़े जोर जोर से फुट फुट कर रो रहे थे। वहां पर मैया कुंती थी, जब देखा कृष्ण चले गए फिर ये जीवन धारण करके क्या होगा, मैया कुंती शरीर त्याग देगी। फिर पंच पांडव ने एक एक वस्त्र पहन करके सारे रोग राज को सब उतार दिए, और उन्होंने श्री युधिष्ठिर महाराज को हस्तिना की राजगति पर बैठा दिए, और वृंदावन का श्री बज्रनाम को बैठा करके अभी ये भी संसार छोड़ करके चले गए हैं। ये सब के सब ये संसार छोड़ करके चले गए, अभी श्री परीक्षित महाराज राजगति पर बैठ करके राजोत्व कर रहे। श्री परीक्षित महाराज ब्रसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक कीर्तन कर ले, मेरे पीछे पीछे बोलो थोड़े कीर्तन गाओ, सब पीछे पीछे ताली बजाते हुए भजन। राधा रानी को हमारे श्यामा प्यारी को, I'm gonna make it.
जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन में नाचेगा उसका क्या पुण्य है, ध्यान इधर सुना, ध्यान से करके देखो। एक समय की कार्तिक का महीना था, किसी भक्त ने भगवान के दरबार में दिया, जैसे दिया जलाते, दिया जलाया था, जब दिया जलाई थी, इधर सुना, ये माता है ना बहुत ज्यादा बात कर, इधर सुना ध्यान से। अभी उन्हें ठाकुर जी की दरबार में उन्होंने दिया जलाया, अब दिया धीरे धीरे बुझने जा रही थी, एक चूहा ने वो तेल खाले का लोभ से आ गया। जब चूहा तेल पी रहा था, इतने में उसका दांत लग गई बत्ती में, बत्ती में लगते ही उसने पीछे, चूहा ने पीछे हटा, हटते ही वो दिया जो बुझने जा रही थी वो दिया हो गया तेज, उसको मुंह में थोड़ी आग लग गई, वो दो चार बार छलांग लगा। देखो ठाकुर कितने दयालु, देखो ठाकुर जी कितने दयालु, बोले ये कार्तिक का महीना थी और बताएं बात मत करो, इसलिए कार्तिक का महीना थी और ये दिया बुझने जा रही थी और क्या हुआ, ये चूहा ने दिया को तेज कर दी और दो चार बार छलांग लगा दिया। छलांग लगाना मतलब है उसने मेरे को आरती दिखा करके मेरे सामने नृत्य किया, देखो इसका फल क्या हुआ। ये अगले जीवन में ये चूहा ने राजा का घर में ये राजकुमारी बनकर के जन्म, क्या बनकर जन्म हुई, राजकुमारी, और उसका हृदय में कृष्ण को प्रति भक्ति बनी रही और भगवान की भक्ति करते करते उसने भगवान के पटनाणी बन करके ठाकुर का धाम को प्राप्त कर दिया। एक चूहा अगर दो बार छलांग लगा करके राजकुमारी बन सकती है, अगर आपने अगर प्रेम से नाचोगे तो आप सोच नहीं सकते। ये शास्त्र कहता है जो भगवान के दरबार में नाचता है ना, फिर माया को सामने नाचना नहीं पड़ता और फिर दुनिया में समस्त ऐश्वर्य को वो प्राप्त करता है। जैसे सबके सब अगर खड़े हो जाओ, खड़े होकर के और नाच लो, राधा रानी को हमारे श्याम प्यारे को, राधा रानी को हमारे श्याम प्यारे को, I'm not afraid of the dark.
एक बार इनकी शरण में आ जाओगे ना कभी मारेंगे नहीं।
ये जानते हैं ये कभी मारेंगे नहीं, शरण में आ जाओ, इसलिए उनके चरण में सीधा लेट गए। बोले भैया ये गैया कौन है? बोले ये पृथ्वी है। बोले ये क्यों रो रही है? बोले भगवान कृष्ण चले गए, अब ये कलयुग आएगा, कलयुग में बड़े पाप कर्म लोग करेंगे, ये गैया दुखी, ये पाप को मैं सहन कैसे करूँ? बोले ये कौन? बोले ये पैर। बोले ये धर्म। बोले इसका तीन पैर कहाँ गया? बोले सत्य तृतीया द्वापर कलयुग चार युग है, सत्य तृतीया द्वापर चली गई, अभी धर्म का तीन चरण खत्म हो गया, अभी ये धर्म एक पैर में खड़ा हुआ है, दान के ऊपर खड़ा हुआ। बोले ये कौन? बोले ये कली। बोले ये क्या कर रहा है? बोले ये कलयुग में मैं कोई धर्म कर्म को रहने नहीं दूंगा, सबको मैं खत्म कर दूंगा, इसलिए वो एक पैर को तोड़ रहा है। इतने में बड़ा क्रोध आया, लेकिन पहले तो धर्म बता रहा था, देखो मैं अपना बात नहीं बताना चाहता हूँ, क्यों? जीव जो कर्म करता है वो कर्म के अनुरूप जीव फल भोग करता, मैं जिसका दोस्त हूँ। पर करके तो महाराज समझ गए ये कौन है, ये धर्म। बोले धर्म का एक विशेष गुण है, ये कभी किसको दोष नहीं देता है, जीवन में जो कुछ आता है वो अपना कर्म का फल लेकर तो भोग लेता है, कभी किसकी बुराई, कभी किसकी चुगली नहीं करता है, ये समझ गया ये कौन धर्म। देखो छोटी स्टोरी सुनो, कभी किसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों नहीं करनी चाहिए, बुराई का क्या फल है? बोले एक समय क्या हुआ, कोई एक संत किसी राज दरबार में भिक्षा मांगने आए, इतने में वो राजा बड़ा क्रोधित हो गया, बोले काम करके खा नहीं सकते, भीख मांगने के लिए आ गए। लेकिन वो संत बड़े पहुंचे हुए संत थे, उसने क्या की घोड़े का जो लीफ विष्टा को उसने उनको झोली में दे दिया, लेकिन वो सचमुच से संत थे, उसको लेकर वो चले गए। कुछ दिन बाद में ये राजा जंगल में घूमने गया था, घूमते घूमते जब ये ऋषि के आश्रम पर पहुंचा, देखा वो जो घोड़े का जो लीफ था ना एक पर्वत आकार विशाल पर्वत आकार में, तो उन्होंने पूछा बोले बाबा ये क्या है, एक घोड़े का लीड क्यों यहाँ पर? बोले महाराज आपको याद होगा एक समय आपका घर में मैंने भिक्षा लेने आया था, हाँ बोले आप मेरे को क्या दिया था? बोलो क्या दिया था? घोड़े का लीड दिया था ना, घोड़े का बिष्टा आपने दिया था। देखो जब कोई चीज संतों को दोगे ना वो चीज कभी घटेगी नहीं, वो पड़ेगी। जैसे राम का बाण है ना, जब भगवान राम तीर को पकड़ता ना वो एक गुना होता है, तीर को जब निकालते हैं वो हो जाता है सौ, जब चढ़ाते हैं वो हो जाता है हजार, जब खींचते हैं वो हो जाता है लाख, जब छोड़ते हैं हो जाता है करोड़, जब किसको पर प्रहार करता है वो प्राण को ले लेता है। इसलिए कहते हैं अगर कोई शुद्ध संत को कोई चीज दोगे ना वो कभी घटेगी नहीं, पड़ेगी। आप मेरे को लीड दिया था, इसलिए एक दिन ऐसे होने वाला ये पूरा घोड़े का लीड सहित तुम्हारा राज्य भर जाएगा, तुम्हारे राज्य में इसके सिवाय कुछ रहेगा। वो तो सुन करके संत के चरण में गिर पड़े, बोले मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया। बोले बाबा ये बताओ मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी, खत्म कैसे हो? बोले देखो खत्म हो सकती है अगर तुम्हारी कोई बुराई करेगा ना, जो बुराई करने पर तुम्हारे सारे ये पाप खत्म हो जाएगा। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हारे राजमहल को सामने जो फूल के बगीचा है वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाओ, और तुम्हारी जो बेटी है ना अभी जवानी, तुम अपना बेटी को लेकर के अकेले में वहां पर रहा कर, जब रहोगे पूरा राज्य में चुगली लोग करना शुरू करेंगे। बोले देखो कितने भ्रष्ट राजा, अपने जवानी बेटी को लेकर के अकेला रह रहा है फूल के बाग में, सचमुच से पूरा राज्य राज्य में इसकी घर घर में ये चर्चा होने लगे, राजा दुष्ट बदमाश क्या कर रहा है, पूरा राज्य राज्य में फैल गया। फिर राजा देखने के लिए आया, देखा जो लीड का पर्वत था ना वो खत्म हो गया, लेकिन एक टोकरी बाकी है। बोले बाबा ये तो पूरा खत्म हो गया लेकिन एक टोकरी बाकी क्यों? बोले तुम्हारे राज्य में एक माता जी बड़ी भक्ति करने वाली, वो कभी किसकी चुगली नहीं करती, और दिन भर माला लेकर के ठाकुर का भजन करती है, अभी उसकी हिस्सा की अभी बाकी रह गई, वो अगर चुगली करेगा ना खत्म हो जाएगी, नहीं तो जो एक टोकरी बच गया तेरे को खाना पड़ेगा, तेरे को खाना पड़ेगा। तब राजा ने क्या किया, अपना वेश को बदला लिया, एक साधारण एक वेश धारण करते हुए वो बुरी माता जी के घर में पहुंचे, देखा माता जी बैठ करके भजन कर रही थी, ठाकुर का नाम जप कर रही थी,
वो आ करके राजा बोले माताजी माताजी तुमको पता है ये राजा कर रहा है क्या? वो सोच रहा था वो भी बोलेगा वो अपना बेटी को लेकर रह रहा है। लेकिन इतने बोलते हुए माता जी ना बड़ा क्रोध आया, ले दुष्ट राजा मैं अपना भजन प्रभाव से सब कुछ जानती हूँ। जब वो संत तुम्हारी घर में भिक्षा लेने आए थे तुमने घोड़े का लीड दिया था ना, तो जो एक टुकड़ी बच गई है ना तेरे को खाना पड़ेगा। मैं कभी किसकी चुगली नहीं करती हूँ, हर समय प्रभु का भजन करती हूँ, पर राजा को ना एक टोकरी वो जो लीड बच गया उसको खाना पड़ा। देखो यहाँ पर जब वो धर्म ने किया बताया, बोले देखो मैं किसका दोस्त हूँ, जीव जो कर्म करता है जैसे बीज होता है वैसे वृक्ष होता है। अगर नीम की बीज बोगे तो वहां कौन सा वृक्ष होगा? करेले का बीज बोगे तो कौन सा वृक्ष होगा? अगर चीकू का बीज बोगे तो, और आम की गुठली बोगे तो। इसलिए जीवन में जो कुछ आए ना कभी इसको पर दोष मत दिया करो, और अपना कर्म का फल भोग कर लो, और क्या करो भगवान की भजन करते रहो, और बैठ कर कभी भी किसकी चुगली, जैसे भागवत कथा सुनने के लिए आए यहाँ पर, कभी किसकी बार में कभी उल्टा पुल्टा नहीं बोल पीता, नहीं बोल कर समय मिले तो क्या करो, माला लेकर के भगवान के नाम करो, भगवान के भजन करो। और 7 दिन में परिकित महाराज को मुक्ति क्यों मिली? कारण क्या? उन्होंने जो जो चीज को सुने है ना वो चीज को अपना जीवन में उन्होंने उतारे, तभी तो 7 दिन में उनको भगवत प्राप्ति हो गई ना। इसलिए 7 दिन में हम कथा सुनेंगे, जो जो कथा सुन रहे हो उसको अपने जीवन में एक एक करके उतारते जाओ। और सबसे बड़ी जो चीज है भगवान का नाम, समय मिले तो इधर उधर बात मत करो, कम से कम 7 दिन तक प्रभु का भजन करो, 7 दिन तक कम से कम। यहाँ पर ऐसे जीवन को बदला करके जाओ ना, जैसे घर में भी जाओ ये रंग कभी उतर नहीं, ये रंग जैसे कभी उतर नहीं, ये रंग तुम्हारे मन में चले रहे, ठीक है। बसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए उन्होंने देखा कि कली, बोले देखो तो मेरे देश में रह नहीं सकते हो, तुमको भागना पड़ेगा। बोले कहाँ जाओ? संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपका राजत्व है, जहां जाता हूँ वहीं पर देखता हूँ, धनुष लेकर आप दिखते हो। जब सबको स्थान दिया सत्य तृत द्वापर, अभी कलयुग को भी तो स्थान दे दो है। तब उन्होंने बहुत सोचने लग गए, अगर ये कली को स्थान देता हूँ मेरे देश में नुकसान क्या, और नहीं देता हूँ लाभ क्या। उन्होंने बहुत सोचा, सोच करके देखा कि कलयुग में जितने कलयुग को स्थान देने पर जितना नुकसान है ना उससे ज्यादा लाभ, जितना नुकसान उससे ज्यादा लाभ। बोले क्या लाभ है? बोले ये कलयुग, ये कलयुग में सिर्फ चैतन्य महाप्रभु आएंगे, हर समय चैतन्य महाप्रभु आते नहीं, और ये कलयुग में उन्होंने सबको भगवान का प्रेम दिया, सबको भक्ति में लगाएगी, संपूर्ण दुनिया प्रभु का नाम भजन करेगा, प्रभु की भक्ति करेगी सारा दुनिया। इसलिए उन्होंने यद्यपि कलयुग में दोष ही दोष है, एक गुण है, क्या गुण है? बोले कलयुग के बल नाम जरूरत नहीं, थोड़ी सी भगवान के नाम लेते जीव का कल्याण हो जाएगा, जीव की उद्धार हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कलयुग को उन्होंने स्थान दे दिया। बोले भैया कोई बात नहीं, तू कलयुग में रह जा। लेकिन कलयुग को उन्होंने कहां पर स्थान दिया? तेरे ध्यान देकर सुन रही थी, तुम सारा दुनिया बात नहीं कर सकते, बेहतर कर देखो, देखो ध्यान देकर सुनो। जैसे आपका कोई बीमारी है, आप कोई अच्छे डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर साहब ये हमारी बीमारी है, वो डॉक्टर अगर सचमुच से अच्छे डॉक्टर होगा ना, वो बोलेगा देखो तुमको तो बहुत अच्छा मेडिसिन दे रहा, लेकिन अगर ये दवा को तुम परहेज को साथ में दवा खाओगे तो ये दवा जल्दी जल्दी सही हो जाएगी। अगर तुमने
बगैर परहेज के अगर दवा खाओगे, बड़े दिन तक तो दवा खाओगे, पैसा तो खर्चा होगी लेकिन तुम्हारी बीमारी सही नहीं होगी। देखना अच्छा, जो डॉक्टर है जो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, पैसा हड़पना नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका परहेज आपको बताएगा है। अगर पैसा हटना चाहते हैं प्रयोजन ही बताएगा, क्यों जानता है दवा खाएगा तो बीमारी सही हो जाएगा तो घर आई जाएगी व्यक्ति, लेकिन अच्छा डॉक्टर होगा तो परहेज बताएगा। इसलिए बोले कलयुग में दवा क्या है, बोले ठाकुर का नाम ही दवा है, ठाकुर जी की नाम ही दवा है, लेकिन परहेज क्या है ये चीज को ध्यान देकर सुनो अच्छे तरह से। माता है इधर मेरे तरफ में देखो, तो माता की गप्पे मानती है, देखो मैं सामने बैठा वो सारी चीज देखता है, इसलिए मेरे तरफ में देखो। इसलिए परहेज है, चार चीज के परहेज है। पहला नंबर है जुआ खेलनी नहीं चाहिए। जो जुआ खेलता है वो कभी सच नहीं बोल सकता है, वो झूठ उसको बोलना पड़ता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ये धर्म का स्वरूप है, लेकिन देखो ये धर्म स्वरूप तो श्री युधिष्ठिर महाराज, लेकिन बोले देखो ये जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश है, राज्य गया, भाई गए, फिर पत्नी की भरी सभा में विवस्त्र देखना पड़ा है, फिर 12 साल तक हमें वनवास और 1 साल तक विराट राज्य में अज्ञातवास में रहना पड़ा। भीम जैसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कर्ताधारी, आप बता दो क्या करता था, क्या क्या काम करता था विराट राज्य में, बोलो बोलो बोले। रामायण नहीं देखे, महाभारत नहीं देखे, रोसैया माता जी सही बोले, कहां कहां इतने बड़े गदाधारी रोसे। और अर्जुन क्या करता था, नृत्य सिखाया करता था, बृहन्नला का काम करता था। और युधिष्ठिर महाराज क्या करते थे, चौकर चौपास करते थे, अंदर का काम करते थे। और नकुल सहदेव क्या करते थे, देखो यहाँ से क्या कहते हैं, पृथ्वी में बराबर इनका कोई जुधा नहीं थे, लेकिन ये जुआ व्यक्ति को कहाँ तक गिरा देती है, सिक्का देते हैं कहाँ तक गिराती है। इसलिए कहते भैया कभी भी ये जुआ में हाथ मत लगाया करो, अगर इतने नीचा गिरना चाहते हो तभी ये जुआ खेलो, नहीं तो जुआ में। इसलिए आप लोगों की अपना पतियों को बच्चों को हर समय मना करना, बेटा कभी ये जुआ नहीं खेले है, जुआ खेल कर जिंदगी में कोई बड़े हुए ही नहीं। जो पैसा मिलता है ना झट उसको खर्चा कर देते हैं, वो पैसा नहीं रहती है। पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसको खेलने से क्या हानि है, कभी तुम सच नहीं बोल सकते, झूठ बोल करे झूठ बोलते जाओगे, धर्म का पहला चरण खत्म हो जाएगा। दूसरी जो चीज है पानम, पानम मतलब होता है कोई नशा नशीली वस्तु, मतलब जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। मैंने सुना राजस्थान में बहुत गुटखा खाते हैं पुरुष लोग, तो खाते हैं उसमें माताएं भी खाने लगे, नहीं तब खाते हैं। इसलिए ये सब चीज को देखो फैशन में खाते जाते हैं ना, क्या होता है वो कैंसर हो जाता है, ये कैंसर हो जाती है, इसलिए गुटखा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज है देखो, शराब नहीं पीनी चाहिए। अपना बच्चों को पतियों को सबको मना करना, फिर जो व्यक्ति शराब पीते है ना उनका 3 लाभ होता है, कितना लाभ होता है क्या बोलो, लाभ पहला लाभ है वो बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा मतलब क्या है, जिंदा रहेगा तब तो बूढ़ा होगा ना, वो तो पी पा आधा उम्र में बन गया। देखो कुछ दिन पहले मेरे पास में एक माता जी माला लेने के लिए आई, माला लेने के लिए आई तो देखा उसको 2 छोटे छोटे बच्चे, उसका उम्र होगी 30 साल की। मैंने कहा ये बच्चों का पिताजी कहाँ है, बोले मर गए। क्या हो गया, वो मारा गए। मैंने कहा भैया कैसे मर गए, बोले वो पीते थे। क्या करते थे, वो पीते थे, पी पी कर आधा उम्र में ही खत्म हो गए। इसलिए खबरदार, देख देखो अभी दुनिया कैसे होते जा रही है, पहले अगर कोई शराब पीते थे ना उसको बहुत गंदा मान जाते थे, लेकिन ये विदेश का फैशन आकर के विदेश का हवा आकर के ना धीरे धीरे हमारी संस्कृति को नष्ट करना शुरू करते हैं। कई बार शादी शुदा में अगर शराब मत पिला, मतलब कौन सा शादी शुदा, बच्चे का बर्थडे में अगर शादी उनको अगर मांस नहीं खिलाओ। मैंने सुना राजस्थान में सब वेजिटेरियन है, पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कोई वेजिटेरियन है ये राजस्थान में सुनने को मिलता है, क्योंकि ये विराट देश है, वो भक्ति देश है,
इसलिए कभी भी बच्चे का बर्थडे में शादी शुदा में शराब मांस को व्यवहार नहीं करनी चाहिए। ये संत कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, वो संत कहते हैं जिस बच्चे का बर्थडे में अगर इतने मुर्गा को तुमने मरवाओगे, इतना बोतल तुड़वाओगे, पाप कर्म करोगे, उसको किसको पर लगेगा? जिस बच्चे के उद्देश्य में सब काम करवा रहे उसको पर सारे पाप। वो संत कहते थे, एक बहुत बड़े संत कहते थे, अगर उसको 100 साल होता होगा ना, उसी दिन वो 50 साल में आ जाएगा, उसी दिन ये 50 साल में उतर करके आ जाएगा। हमारी संस्कृति है, क्या है संस्कृति? बच्चे का बर्थडे हो, कुछ हो, सब के सब बैठ करके हरि कीर्तन करते हैं, भगवान की कीर्तन होता है, प्रभु का नाम करते हैं। क्यों? कितना मंगल भवन हमारे। अगर कोई उसका ऊपर कोई पाप होगा, अगर प्रभु का नाम से करोगे तो क्या होगा? उसका सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे कल एक माता जी की बर्थडे थी ना, किसकी थी कल? बुआ जी कहाँ है? इसलिए बहुत भाग्यवान, क्योंकि भागवत कथा में फूल पुष्प से हम उसका आशीर्वाद दिया, वेद मंत्र पढ़े, प्रभु का कीर्तन करवाए, उसका आयु बढ़ेगा, जस बढ़ेगी, हैं? लक्ष्मी के घर में लक्ष्मी भी बढ़ो तो भगवान के नाम से, ठीक है ना? इसलिए दूसरे नंबर क्या, पहला लाभ क्या है? पहला लाभ वो बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा मतलब क्या? पी पी कर गाधा होगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी, बोले चोरी नहीं होगी मतलब बोले घर में कुछ हो तो चोरी होगी, सब गहना फेना पी पा करके बेच पा कर खा देगा, पर चोरी किस चीज की होगी? पर तीसरा लाभ बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे, मतलब कहीं पी पा कर पड़ा रहेगा, कुत्ता आकर के मुंह में चाट जाएगा, नहीं तो पेशाब कर देगा। इसलिए संत लोग कहते हैं भैया ये सब चीज से दूर रहा करो, ये सब चीज से दूर रहा करो, ठीक है? और क्या करो? भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति ये चीज ग्रहण करते हैं उसका तपस्या नष्ट हो जाता है। एक व्यक्ति भजन कब करेगा? जब बुद्धि उसको स्थिर रहे। लेकिन इस सब चीज लेने से बुद्धि भ्रमित रहता है, अस्थिर रहता है। शराब पीने वाले प्रभु का भी भजन कर सकता है, भांग पीने वाले प्रभु का भजन कर ही नहीं सकता, क्यों? बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, भजन कहां से करेगा? इसलिए उसकी भजन नष्ट हो जाता है। जो तीसरा नंबर है कहते हैं जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब है मांस नहीं खानी चाहिए, मुझे लगता है कोई खाते थे मछली नहीं खानी चाहिए, हैं? अंडा नहीं खानी चाहिए, अंडा भट्टा कहीं नहीं खाते तो। इसलिए अंडा देखो एक एक अंडा में ना एक एक जान होता है, जीवन होता है। महाभारत के युद्ध का अंतिम में जब श्री धृतराष्ट्र का 100 बेटे मारा गए तो उन्होंने कृष्ण को पास में गए, बोले प्रभु ये 100 बेटे मृत्यु क्यों देखना पड़ा? भगवान उसकी पूर्व जन्म की कथा सुना, बोले कभी तुमने जंगल में भ्रमण करने गया था, कभी तुमको भूख लगा तो एक पेड़ को नीचे तुम बैठ गया, उसी पेड़ के ऊपर में चिड़िया की घोंसला थी और तुमने पेड़ के ऊपर चढ़ करके तुमने 100 अंडे को तुमने खाया, इसलिए इसी जीवन में 100 बच्चों को तुमको मृत्यु देखना पड़ा, ठीक है ना? अंडा फंडा में अंडा फंडा नहीं खानी चाहिए, ठीक है? अब देखो और एक चीज है, देखो प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए। क्या नहीं खानी चाहिए? प्याज लहसुन। इधर आप लोग नवरात्रि रखते हो? नवरात्रि रखते हो? कौन कौन नवरात्रि रखते हो? किधर रखते हो? आप देखना 9 दिन तक ये प्याज लहसुन कोई खाते नहीं है ना, क्यों नहीं खाते? माता जी को पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाते। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो, उसको बाद में खा करके नाराज कर दो? 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा। इसलिए जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, जो चीज ठाकुर जी नहीं लेते हैं, माँ देवी को जो चीज पसंद नहीं, वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। देखो हम लोग कल कथा सुने ये प्याज लहसुन को क्यों नहीं खाते? जिस समय समुद्र मंथन से अमृत निकला और भगवान मोहिनी अवतार लेकर के अमृत को बांध रहे थे, वो बीच में एक सौरभान नाम का दैत्य ये चंद्र सूर्य को बीच में बैठकर अमृत पी लिया। चंद्र सूर्य बोले प्रभु ये धोखे से अमृत दिया है। भगवान सुदर्शन चक्र को बुलाया, उसका गले को काट दिया, जहां पर उसको मांस गिरा है वहीं पर ये प्याज की पौधा हुई, जहां पर हड्डी गिरा वहां पर लहसुन की पौधा हुई, जहां पर उनका बूंद गिरा पड़ा गिर पड़ा वहां पर मसूर डाल। इसलिए जो 3 चीज है आप लोग अपना घर में भी देख लो, राजस्थान जैसे लोग एक पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले तुम देख लेना कोई व्यक्ति घर में ये चीज नहीं घुसाया करते थे। क्यों? हर घर में ठाकुर जी होते थे,
ठाकुर जी को भोग लगाकर सब खाते थे, भगवान को भोग लगता था। अब ये चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता, इसके घर में कोई भी इसको नहीं घुसाते है, ये मांस शराब खराब कोई नहीं लेते थे। बोले खैर ये चीज आया कैसे, कहते ये जो चीज है ना कहते मुगल लोग ने लाए, ये मुसलमान लोग ने लाए, और धीरे 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 हमें खिला खिला कर सब मुसलमान बनाए। वो तो हमारी कोई चीज को नहीं दी, हम एक प्याज लहसुन कुछ दिन बाद फिर अंडा खाना शुरू कर देंगे, फिर मांस खाना शुरू कर देंगे, दारू पीना, ये सब चीज उनका खाना हमारे खाना नहीं है। हमारी खाना तो ठाकुर को भोग लगा करके ठाकुर जी की प्रसाद खाना, ये हमारी हमारी ये धर्म है, ठीक है ना। कोशिश करना घर में जो कुछ खाना बने ठाकुर जी को भोग लगा, अगर प्याज लहसुन डालो भोग नहीं लगेगा, और देखो भोग लगा का कितना पुण्य। देखो आप लोगों ने सुदामा का नाम सुने हो, कौन कौन सुने हो सुदामा का, सब अब टीवी में देखे हो। ये सुदामा पहले गरीबी क्यों बना, बाद में ये सुदामा धनी क्यों बना, पहले गरीब धनी क्यों बना, अब देखे होंगे। जब ये गुरुकुल में सुदामा कृष्ण जा रहे थे, इनकी गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया, बोले सुदामा इसको कृष्ण को देकर खाओ, अब देखे होंगे टीवी। लेकिन सुदामा ने क्या किया, भगवान से छुपा करके उन्होंने चना खाए, इसलिए इतना दुख दरिद्र उठाना पड़ा, इतने दरिद्र, लेकिन धनी का बने। जब भगवान के दर्शन के लिए गए, दो मुट्ठी चिड़वा लेकर के ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खा रहे थे रुक्मिणी हाथ को नहीं छोड़, अपना दो मुट्ठी खा लिया ना, उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया। अगर आप तीसरी मुट्ठी खाओगे, मैं जो लक्ष्मी को घर में दासी बन जाओगी। और सुदामा जब घर में आया, सोने के महल, पत्नी राजकुमारी बन करके बैठी हुई, पत्नी को पहचान नहीं पा रहे थे, कौन वो आरती लेकर के उतारने के लिए आई, बोली ये राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही, हट रहे थे। सुशीला बोली मेरे को पहचान नहीं रहा, बोले तू कौन, बोले मैं वही आपकी सुशीला, बोली सब किया है, बोले ठाकुर जी के लिए चिड़वा लेकर कही ना, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए तो ये त्रिभुवन का राज। अगर घर में ठाकुर जी की अगर ठाकुर जी को तुम भोग लगाओगे, अगर ठाकुर जी को भोग लगाओगे ना, घर में लक्ष्मी खूब आएगी, घर में लक्ष्मी आएगी, बरसेगी, क्यों देखो ये चीज को समझो। हम जो चीज खरीदी करते हैं पैसा से, किससे खरीदी करते हैं, किससे खरीदी करते हो, पैसा से, पैसा कौन, लक्ष्मी, पैसा लक्ष्मी। आप बताओ ये लक्ष्मी किसकी है, नारायण ना, नारायण की ना, तुम्हारी है नारायण की ना, जब वो तुम भी किस किस की लक्ष्मी होगी, इसलिए तुम भी अपना नारायण की सेवा करती होगी, इसलिए लक्ष्मी नारायण की। जब ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगती है ना, फिर क्या होती है, लक्ष्मी खुश हो जाती है और आशीर्वाद देती है, बेटा खूब सुख रहो जीवन, खूब आनंद रहो जीवन में, ठीक है। इसलिए क्या करना, कोशिश करना कि प्याज लहसुन को त्याग दे करके जो कुछ भोजन करे ठाकुर को भोग लगा करके प्रसाद रूप में वो चीज को ग्रहण करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब उन्होंने चौथा जगह पर जो कलिका स्थान दिया है, बोले स्त्रियों, बोले स्त्रियों को ऊपर में ये कलिका निवास, बोले भैया कौन सा स्त्री है, बोले उन्होंने स्त्रियों को ऊपर में जो अवैध रूप में जो स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री से मिलते हैं, संसार करो कैसे शादी करके पति पत्नी मिल करके अपना घर गृहस्थ को करो, बगैर शादी के जो अवैध रूप में जो पुरुष स्त्री स्त्री थे, अभी जैसे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के शास्त्र एकदम अस्वीकार किया, सब चीज एकदम नेग्लेक्ट किया, नहीं संसार करो शादी करके पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थ को धर्म पूर्वक बनाओ, ये अधर्म पूर्वक मत करो, इसको बहुत बड़ा पाप मान लिया, और उसे बताया इसको द्वारा पवित्रता नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कली को चार जगह पर स्थान दे दिया, लेकिन कली तभी खुश नहीं, कली तभी खुश नहीं, पर मैं कहां कहां पर ढूंढूं, मेरे को ऐसे एक स्थान दो जहां पर सब कुछ मिल जाएगा। फिर उन्होंने स्थान दे दिया ये सुवर्ण, कहां स्थान दिया सुवर्ण, मतलब पैसा में स्थान दे दिया, मतलब इसका मतलब है ज्यादा करके जितने ये अधर्म जो काम है ना यही पर होता है, मांस शराब जितने वैश्या जितने सारे गंदे काम जुआ अक्सर करके यही पर सब जांच की होती है। इसलिए बोले लक्ष्मी की दो बहाने, कितना बहाने, एक है उल्लू बहाने। आप लोग देखना जब उल्लू को ऊपर में लक्ष्मी अकेली बैठी करके, मतलब जब लक्ष्मी घर में आती है ना, वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है और हमें उल्लू बना देती है,
लेकिन आप देखना जो लक्ष्मी की और के बाहर, एक तो उल्लू बहाने और के बहाने, बताओ तो बोलो जोर से, दूसरा बहन गरुड़। एक चीज देखना लक्ष्य करके, गरुड़ को ऊपर में लक्ष्मी को कभी अकेली बैठी हुई नहीं देखो, और नारायण को साथ में बैठी हुई, मतलब क्या है, लक्ष्मी को घर में बुलाओ, लक्ष्मी के बगैर कुछ भी नहीं होता है, है? लेकिन लक्ष्मी को क्यों बुलाओ, ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाओ, माँ लक्ष्मी आप आओ, क्योंकि आपके बगैर ठाकुर की सेवा कैसे होगा। फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं आएगी, फिर वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगी। गरुड़ कहाँ रहते हैं, बोले वैकुंठ में। गरुड़ कहाँ रहती है, वैकुंठ में। फिर तुम्हारे घर को वैकुंठपुरी बना देंगे, है? लेकिन अगर लक्ष्मी को बुलाओगे, लक्ष्मी आओ, बोले क्यों, बोले तुम कहा भोग करेगी। लक्ष्मी बोली कि मेरे को तुम भोग करोगे, मेरे पति तो नारायण है। फिर वो उल्लू को घर बैठ करके आती है, इसलिए हमें लक्ष्मी को घर में बुलाओ, लेकिन किसके लिए बुलाओ, ठाकुर को सेवा के लिए। घर में जो खाना बने, प्रसाद बने, ठाकुर को भोग लगाओ, बस हो गया, इतनी सी काम करनी, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए आज ध्रुवज क्या कथा हमारे प्रभु सुना खड़े हो, ध्रुव जी जिस समय भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए, ब्रह्मा जी सृष्टि हुए, चार तरफ पर पानी पानी देखा, उनका चार सर हो गया, भगवान उनको मंत्र प्रदान किया, बोले जगत को उन्होंने सृष्टि करो, तब उन्होंने जगत को सृष्टि किए। उनको ब्रह्मा जी से पहले उन्होंने कहते श्री मनु महाराज को सृष्टि किया, बोले मनु महाराज की दो बेटे और तीन बेटी हुई, कितने बेटे हुए, कौन कौन, एक उत्थानपाद और एक प्रियव्रत, और उनकी तीन 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 उनकी बेटी हुई, कौन कौन, आकुति, देहूति और प्रसूति। कहते यही सही के सृष्टि प्रारंभ हुई, जो सृष्टि प्रारंभ हुआ ये मनु महाराज से सृष्टि हुआ, इसलिए हमको क्या कहते हैं, मानव। क्या कहते हैं हमको, मानव। इसलिए किसलिए कहते हैं, हम लोगों ने मनु महाराज से सृष्टि हुई। लेकिन जो डार्विन एक साइंटिस्ट नाम सुने होंगे, डार्विन थ्योरी, वो कहता है हमारे जो पूर्वज लोग ना बंदर थे, ये पहले बंदर थे, बंदर का पूछ करते 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 जब खत्म हो गया ना, फिर क्या हो गया, ये इंसान बन गए हैं, ये डार्विन का थ्योरी है। लेकिन हमारे जो भागवत कहता है, भैया हम बंदर से नहीं हुए हैं, हम किससे हुए, भगवान से, हम किससे हुए, भगवान से हुए, बंदर से हमने नहीं हुए। बोले उसी समय बंदर थे, बंदर से इंसान हो गए, अभी कितना बंदर घूम रहे हैं, कोटे में बंदर है कि नहीं, अभी एक बंदर कोई इंसान हो रहा है, और उसी समय क्यों बंदर इंसान हो गया, अभी क्यों नहीं हो रही है, भैया बंदर से इंसान नहीं हुए हैं। इसलिए देखो जैसे जैसे क्रिश्चियन, उनका ग्रंथ बाइबल है, आप बाइबल पढ़ कर देखोगे ना, वहां पर लिखा हुआ है गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, भगवान ने अपना जैसे उन्होंने इंसान को बनाया। आप मुसलमान का पुराण पढ़ लो, वहां पर लिखा अल्लाह ने अपना जैसे सूरत जीव को दिया। हमारी गीता पढ़ लो, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, पिता अहम अस जगत दाता माता पितामह, जगत में जितने संतान जीव है सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए कहते ना तुमेव माता च तुमेव बंधुश्च तुमेव विद्या तुमेव सर्वम, सब पंडित सब पंडित, इसलिए हम किसकी बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। देखना पिता माता का सूरत से बच्चे का सूरत मिलता कि नहीं, मिलता कि नहीं, मिलता है ना। अब बताइए बंदर को ले आओ, भक्तों को खड़े कर दो, बंदर का कौन सा अंगों को साथ में तुम्हारे अंग मिलेगा, आंखों से मिलेगा ना, नाक से ना, हाथ से ना, पैर से, किससे मिलेगा, बंदर का कोई अंग तुम्हारे अंग है। लेकिन भगवान राम को खड़े कर दो और कन्हैया को खड़े कर दो, उनको साथ में मिलेगा कि नहीं। कृष्ण के नाम के जैसे आंखें हैं, हमारी आंखें भी ऐसे ही, भगवान के नाक जैसे तुम्हारी नाक भी वैसे, भगवान के हाथ जैसे हमारी हाथ भी ऐसे, भगवान के दो पैर जैसे हमारे दो, है कि नहीं। किसको साथ में मिलते हैं, बंदर से ना, ठाकुर जी से, बोलो किससे मिलते हैं, ठाकुर जी से मिलते हैं। इसलिए हम कोई देखो ये जो थ्योरी है ना, ये अमेरिका में नहीं पढ़ाई होती, अमेरिका में नहीं पढ़ती, ये केवल इंडिया में पढ़ाई होती है, जहां पर इतने भगवान आए, कृष्ण राम आए। बोले ये डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, बोले इसलिए मैंने बोला ये बंदर से हुए हैं, ये सरकार मेरे को जोर जबरदस्ती किया था, तुम प्रूव करके दिखाओ ये बंदर से हुए। लेकिन वो लास्ट में कहता है कि बंदर से कभी इंसान बन ही नहीं सकता, कभी बन ही नहीं सकता, ये सरकार मेरे को जोर जबरदस्ती किया था, एक गरीला एक बंदर का खोपड़ी लगा लगा दिया और बोला देखो, हमें धोखे देकर उसने बोल कर गया,
इसलिए कभी भी बंदर से इंसान कभी नहीं हुए। एक समय बंदर का ब्रेन को इंसान का ब्रेन में लगाने के लिए कोशिश किया, एक अंग उसको ब्रेन लगाया ना, वो बंदर जैसे छलांग लगाना शुरू कर दिया इंसान, उसका एक अंग भी आप उसमें लगा नहीं सकते। इसलिए हम कोई बंदर से नहीं हुए, किससे हुए हैं? ठाकुर जी से। इसलिए ब्रह्मा जी उन्होंने 10 संतान सृष्टि किए। देखना हमारे भारत में सबका गोत्र है, तुम्हारी क्या गोत्र है? क्या जोर से बोलो, सोनी से जात है, जात है। तुम्हारी गोत्र क्या है? सपोया। तुम्हारा गोत्र क्या है? तुम्हारी गोत्र। हमारे भारत में देखना सबका गोत्र वशिष्ठ सांडिल्य सबका गोत्र है। ये सब गोत्र आया कहाँ से? हमारी ऋषि मुनि से, ऋषि मुनि से आया है। उन्होंने जो 10 संतान उन्होंने सृष्टि की थी, जिस संतान से हम आए हैं, हमारी गोत्र वही गोत्र है। इसलिए हम लोग कोई बंदर से नहीं आए, हम किससे आए हैं? भगवान से हम आए। इसलिए हम भगवान के औलाद हैं। इसलिए वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा, हम सबके सब अमृत के, भगवान कृष्ण के, राम के, हम सबके सब बच्चे हैं। इसलिए ये मनु महाराज से ही ये सृष्टि हुई, इसलिए हमको कहते हैं मानवर, जिसलिए हमको कहते हैं। वहां से एक राजा हुए हैं जिनका नाम था उत्थानपाद, और ये उत्थानपाद की कथा हमारे प्रभु जी उत्थानपाद की कथा सुनाएंगे, श्री ध्रुव जी का कथा सुनाएंगे, फिर उसको बाद में कथा को विश्राम करेंगे, और कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले। कौन जन्म लेने वाले? इसलिए कल कौन सा रंग का साड़ी पहन कर के आओ? पीला रंग की, ठीक है ना? अब बढ़िया, जैसे ठाकुर जी जन्म होंगे ना, जैसे शादी में, इधर सुनो, जैसे शादी में बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर जाते हो, कल भगवान का जन्म तिथि होगा, इसलिए सबसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा अपना पेटरा में अलमारी में जो होगा सबको निकालना, शादी का समय का निकालना, और बढ़िया बढ़िया पहन कर। देखो बच्चों, सब प्यार साथ पहन कर नहीं आना, कल क्या पहन जाएगा? लहंगा चुंदरी पहन करके आना, तुम लोग सब गोपी बन करके आना, और तुम्हारे जितने बच्चों को है ना, अगर कोई बेटा होगा उसको कृष्ण का ग्वाल वाला बना कर मिला, ठीक है? कृष्ण की ग्वाल वाला बना कर मिला, और जितने माताएं आप लोग भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आना, और तुम जितने बच्चे हो क्या पहन करके आओगे? तुम बच्चे क्या पहन करके आओ? अगर धोती हो तो देख लेना, धोती है धोने नहीं है ना, उनका धोती है, धोती नहीं, धोती है ना तुम्हारी? हाँ, कोई बढ़िया धोती देख लेना, नहीं तो कम से कम सफेद रंग के पैजामा और कुर्ता पहन के दिखाना है, सफेद रंग, ठीक है? देख लेना जो हमको बढ़िया बढ़िया पहन के दिखाना। कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले, कल ठाकुर जी सारे ठाकुर जी जन्म लेंगे, अभी 4 दिन तक उत्सव ही उत्सव चलेगा है। कल पहले तो बामन देव आएंगे, इधर सुना, कल ठीक है, इनको कल बामन कल बनाना, आज तो ध्रुव वाले, कल श्री बामन देव जन्म लेंगे, कल भगवान नरसिंह देव जन्म लेंगे, और भगवान कल कन्हैया भी जन्म लेंगे। बोल श्री ध्रुव महाराज की जय, बोल श्री नारायण की जय, जय जय श्री राधे। अभी तुम्हारी कथा हो, बैठने अभी इनको भी बैठने के लिए कुछ इधर अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुहश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। सब एक बार मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। कोई कोई हाथ उठाकर बोलो, बोलो जोर से, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी जो लोग नहीं बोले हैं लास्ट बार, अगर कुछ आपका नुकसान होगा तो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। अगर भगवत नाम से कुछ फायदा होता है तो वो सब आपका, ठीक है?
सब कोई पर जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम श्री शुभ भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि कर्मण प्रणाम करता हूँ। परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथायोग प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हम सृष्टि क्रम हमने श्रवण किया, किस प्रकार ब्रह्मा जी से मनु महाराज, मनु महाराज से उनकी संतान, और उसके बाद में जो राजा उत्तानपाद थे, उत्तानपाद की दो रानियां थी, रानियों का नाम था, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि अर्थात स्वस्य रुचि, अर्थात अपनी रुचि के अनुसार जो सारी चेष्टाएं करती थी, भगवत विमुख होके जो सारी चेष्टाएं करती थी वह थी सुरुचि। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति अर्थात जो सदनीति है, भगवत उन्मुखी नीति को पालन करके जो सारी चेष्टाएं करती थी उसका नाम था सुनीति। अभी सुरुचि थी, सुरुचि से के गर्भ से जन्म लिया श्री उत्तम ने। अभी यहाँ प्रश्न उठता है कि सुरुचि से कोई उत्तम संतान किस प्रकार पैदा हो सकती है, तभी इसका बाद में पता चलेगा किस प्रकार उनका पुत्र उत्तम जो था उसी क्या गलती हुई, अंत में यक्षों के द्वारा मारा गया। लेकिन जो सुनीति थी, जो सद नीति का पालन करती थी, भगवत नीति का पालन करती थी, उससे ध्रुव, उससे जन्म हुआ श्री ध्रुव महाराज का। एक समय पर राज दरबार के अंदर ध्रुव महाराज अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए सिंहासन पर जाने लगे। पिताजी राजदरबार में बैठे सिंहासन पर, ध्रुव महाराज के मन में भी इच्छा हुई कि मैं बड़े भाई उत्तम के जैसे मैं भी जाकर पिताजी की गोद में बैठूं। जैसे ही वो पिताजी की गोद में बैठने के लिए जाने लगे, तभी वहां पर सुरुचि थी। सुरुचि ने उसको ललकार करके कह दिया, बोले तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम राजा की गोद में बैठने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे इतने पुण्य कर्म नहीं कि तुम अभी राजा की गोद में बैठ सको, क्या करो जाओ भगवत भजन करो, भगवत भजन करके और तुम मेरी कोख से जन्म लो, जब मेरी गर्भ से तुम जन्म लोगे उसके बाद में तुम कभी इस पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो। ध्रुव महाराज बड़े 5 साल के सुकोमल बालक, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव है, माता के ऐसे कुवचन सुन के बड़े ही क्रोधित हुए, बड़ा ही क्रोध आया उनको और क्रंदन करते करते वहां से चले गए। वहां से चले गए कहां, अपनी माता के पास में। जैसे ही वहां पर आए हैं सुनीति के पास में, और बालक का ऐसे निस्तेज मुख देख के, आंखों में आंसू देख के, और सुनीति ने वहां पर प्रश्न किया, बोले पुत्र क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो। तो उस समय पर दासियां जो वहां पर उपस्थित थी, दासियों ने पहले से ही बता दिया था सुनीति को कि इस प्रकार कुमाता ने शासन किया है। तो उसके बाद सुन के ध्रुव महाराज को सांत्वना देते हुए सुनीति कहने लगी, देखो कि तुम्हें क्रोधित होने की, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि तुम्हारी माँ ने बड़ी अच्छी बात कही, तुम्हारी माँ ने एक बात तो बड़ी अच्छी कही और एक बात खराब कही। एक बात अच्छी क्या कही, उन्होंने तुम्हें भगवत भजन का उपदेश दिया, उन्होंने भगवत भजन का उपदेश दिया, उन्होंने तुमसे यही तो कहा है कि जाकर भगवान का भजन करो। ऐसा उपदेश देने वाली माँ भी बहुत ही दुर्लभ है। आज के समय पर किसी पुत्र को भगवत भजन का उपदेश प्रदान करने वाली माताएं भी दुर्लभ है, और तो और यदि कोई साधारण हमारी तरह जैसे कोई होती हमारी माँ की तरह तो क्या करती, बेटे की गलती वगैरह ना देखते हुए चली जाती लड़ने के लिए, बोले तेरे को ऐसा हो रहा, चल अभी दिखाती हूँ, है ना। लेकिन इनका नाम ही सुनीति है, सदनीति का अवलंबन करते हुए इन्होंने अपने पुत्र को बड़ी अच्छी शिक्षा दी है कि हे पुत्र सुरुचि ने जो तुम्हें शिक्षा दी भगवत भजन करने की, तुम उसका अवलंबन करो, तुम भगवत भजन में करो। लेकिन एक गंदी बात क्या कही कि भगवत भजन करके तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे और मेरी गर्भ से जन्म लेने के बाद में पिता की गोद में बैठोगे। अरे ऐसे पिता की गोद में ही क्या बैठना जो कुछ समय बाद में मृत्यु को प्राप्त होगा, बैठना हो तो उस भगवान की गोद में बैठो जो अजर अमर शाश्वत जिनकी गोद है। ऐसे मर्त्यशील पिता की गोद में बैठने का कोई लाभ ही नहीं, ऐसे राज्य सिंहासन का भी कोई लाभ नहीं। जब इस प्रकार के सुंदर उपदेश उन्होंने ध्रुव महाराज को दिए हैं, तब ध्रुव महाराज भी भगवत भजन करने के उद्देश्य से वहां पर चले गए। अभी भगवत भजन करने जाएंगे। भजन करने के लिए देखो सबसे जरूरी क्या है, एक सदगुरु। गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर जैसे सर्वश्रेष्ठ भी क्यों ना हो जाओ,
लेकिन इस भव सागर को पार करने के लिए उनको भी गुरु की आवश्यकता है ना। तो अभी जब ध्रुव जी निकले हैं भगवान का भजन करने के लिए, विचार कर रहे हैं कि मैं माँ से कह के तो आ गया कि मैं भजन करूंगा, लेकिन जाऊं कहां? तो समय पर भगवान ने स्वयं नारद जी को वहां भेज दिया है। नारद जी वहां वीणा बजाते हुए कीर्तन करते करते जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 तो मानो आज हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग्य उदय हुआ है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भवापवर्गो भ्रमतो जदा भगवत भवे जनस्य तही अच्युत सत्समागम। यदि किसी को सत्संग प्राप्त हो जाए, यदि किसी को संतों का दर्शन प्राप्त हो जाए, इस 84 लाख योगियों में भ्रमण करते करते यदि कोई सौभाग्य जीव को संतों का दर्शन हो रहा है, मानना चाहिए भगवान की विशेष कृपा है। जब ध्रुव जी ने नारद जी के साथ में साक्षात्कार हुआ है, नारद जी वहां पर परीक्षा लेने लगे। नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा लेने लगे, बोले पुत्र तो अभी कहा जा रहे हो? बोले मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ और भगवत भजन करने के उद्देश्य से ही वन की ओर गमन कर रहा हूँ। बोले तुम 5 साल के शिशु बालक, अभी जिन तुम्हें खेलने और सोने का जब तुम्हें ध्यान नहीं, तुम्हारी उम्र अभी खेल कूद करने की है, और कहां तुम भगवान का भजन करने जा रहे हो? बड़े बड़े ऋषि मुनि उस भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं अनेक अनेक साधन करने के बाद भी, और तुम 5 साल के शिशु होके और इतना तुम्हारे अंदर अभिमान, इतना तुम्हारे अंदर क्रोध। बोले 5 साल के शिशु को तो क्या अपमान क्या सम्मान ये सब ज्ञान ही नहीं होता। तुम जो तुम्हारे पिता ने तुमसे कुवचन कहे हैं या माता ने जो तुमसे कहा शासन किया उसको भूलो, उसे भूल जाओ। चलो मैं तुम्हारे पिता उत्थानपाद से बात करता हूँ, मैं तुम्हें उनकी गोद में बिठाऊंगा, और ये ही नहीं मैं तुम्हें आधा राज्य भी तुम्हारे पिता से कहूंगा कि तुम्हें आधा राज्य प्रदान करें। अभी ध्रुव जी यहाँ पर मनी मन चिंतन कर रहे हैं, बोले आप सही नारद हो या नकली नारद हो? हमने तो सुना था नारद जी सबको भगवान के भजन के लिए उपदेश देते हैं, और मैं भगवत भजन की इच्छा से बाहर निकला हूँ और आप सब विपरीत बातें कर रहे हो, लेकिन ध्रुव जी मनी मन सोच रहे हैं, बोले कि भगवान सचमुच चाहते हैं कि मैं भजन करूं। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ भगवान का भजन करने की इच्छा हुई थी, वो संकल्प लेके मैं वन की ओर गमन ही कर रहा था, और यहाँ पर देखो आधा राज्य की बात आ गई, बोले आधा राज्य देने को तैयार हो गए हैं। यदि मैं सचमुच में भगवान का भजन करूंगा तो निश्चित रूप में ही उनकी गोद में जाकर बैठूंगा। अभी ध्रुव जी ने इस प्रकार का दृढ़ संकल्प देख के और नारद जी ने उनको मंत्र प्रदान किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी से ये मंत्र प्राप्त करके अभी प्रश्न किया, बोले मैं भजन कहाँ करूं, आप मुझे उपयुक्त स्थान भी बताइए। नारद जी वहां पर उसने उपदेश करते हैं कि तुम जाओ मधुबन में, मथुरा के अंतर्गत मधुबन में जाओ, बड़ा ही रमणीय स्थान है, तत्र विराजते भगवान स्वयं, वहां पर अभी भी भगवान स्वयं लीला करते हैं, वृंदावन धाम में अभी भी भगवान वहां पर विराजमान है, मधुबन में जाकर वहां पर सुंदर यमुना बह रही है, उसके तट पर रहकर इस वन में तुम भजन करो। इस प्रकार का उपदेश प्राप्त करके और ध्रुव जी अभी आए हैं मधुबन के अंदर। मधुबन के अंदर आप जाओगे वहां पर ध्रुव टीला है जहां पर ध्रुव जी ने भजन किया था। इतना उत्कट ध्रुव जी का भजन सिर्फ 6 मास के अंदर ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। और उनका भजन किस प्रकार का, पहले महीने में उन्होंने केवल मात्र 3 दिन के अंदर एक बार फल खाते थे, कौन सा, कैथ फल खाते थे, और उसके बाद में दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में सिर्फ पानी ही पीकर रह गए थे,
चौथे महीने में सिर्फ वायु ही ग्रहण कर रहे थे, सिर्फ वायु का भक्षण करते करते इस प्रकार उन्होंने इतना तीव्र भजन किया, इतना उत्कट भजन किया कि स्वयं भगवान उस भजन से वशीभूत हो गए। यहाँ पर देवता लोग चिंतित हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो ध्रुव जी हमारा सिंहासन प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रहे। सभी ने वहां पर जाकर उनको प्रलोभन देने की इच्छा करी, लेकिन ध्रुव जी अपने भजन में अटल रहे। अंततः सभी ने जाकर भगवान को प्रार्थना करी, हे प्रभु ध्रुव का इतना उत्कट भजन और हम देख नहीं पाते, उनके तेज से पूरा विश्व ब्रह्मांड तेजमान हो रहा है, सारी वायु अस्थिर होकर बहने के रुक गई है, और आप जाकर उसे दर्शन दीजिए नहीं तो हमारा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। उसी समय पर ध्रुव महाराज जब समाधि में थे उन्होंने देखा मानो उन्हें भगवान की एक झलक दर्शन हुई है, सुंदर भगवान का त्रिभंग ललित स्वरूप, नारायण चतुर्भुज रूप में वहां पर भगवान खड़े हुए हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सुंदर पीतांबर पहन रखा है, गले में वैजंती माला है, सुंदर मुकुट धारण कर रखा है, सुंदर कुंडल धारण करते हुए भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, और जैसे ही सुंदर उसका दर्शन किया भक्तवत्सल भगवान की जय, तो वहां पर सुंदर नारायण स्वरूप का दर्शन करते हुए बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो श्री नारायण की जय। वहां पर ध्रुव जी को इतना सुंदर स्वरूप भगवान का दर्शन हुआ और मानो भगवान ने ही वह सुंदर स्वरूप उनके हृदय से क्रोधीभूत करके और स्वयं बाहर प्रकट हो गए हैं। जब भगवान बाहर प्रकट हुए भगवान का दर्शन करके और ध्रुव जी ने अपने नेत्र खोले, नेत्र खोलते ही उन्हें कहने लगे, बोले भगवान मैंने अपनी माँ से सुना था कि यदि भगवान प्रकट हो जाए तो उनकी स्तुति करना, तो उनकी स्तुति करना, लेकिन मैं तो 5 साल का शिशु बालक, मुझे तो कुछ ज्ञान है नहीं। तब भगवान ने क्या किया, उनके हृदय की इच्छा जान के अपना शंख, अपना 5 जन्य शंख भगवान ध्रुव जी के कपोल पे स्पर्श करवा दिया, उनके गाल पे छुआ दिया, और वो स्पर्श कराने मात्र से ही ध्रुव जी ने इतनी सुंदर सुंदर स्तुति करी है भगवान की, भक्ति मुहूर्त प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो, इतनी सुंदर स्तुति करी है भगवान की कि हे भगवान आप ही मेरे अंतर और बाहर अवस्थित हैं, आप ही हैं जो मेरे सब इंद्रियों को चलायमान कर रहे हैं, आप ही मेरे जीवन में पूरी शक्ति का संचार करने वाले हैं, इसलिए इतनी सुंदर सुंदर स्तुति करने के बाद में भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। तो उसके बाद में ध्रुव जी से कहते हैं, बोले तुमने इतना सब तपस्या करी है, तुमने इतना कठोर भजन आदर्श दिखाया है, तुम मुझसे कुछ वर मांग लो, तुम कुछ वर मांग लो। ध्रुव जी यहाँ पर बड़े ही मन में खेद करते हुए कहते हैं, बोले स्थानाभिलाषी तपसे स्थितोहम् त्वं प्राप्तवन् देव मुनिन्द्र गुह्यम् काचं विचिन्वन् अपि देव्यरत्नम् स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे, स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे, हे भगवान आपका दर्शन करके ही मैं तृप्त हो गया हूँ। उदाहरण देकर बतला रहे हैं जैसे कोई मणि की, जैसे कोई कांच के टुकड़े की खोज कर रहा हो, काचम विचिन्वन् अपि देव्यरत्नम्, कि एक कांच का टुकड़ा खोजते खोजते यदि किसी को मणि प्राप्त हो जाए तो उसके हृदय में और कोई आशा रहेगी, ऐसे ही मैं कहां एक तुच्छ राज्य की प्राप्ति के लिए, कहां एक शाश्वत पिता, एक मर्त्य पिता की गोद में बैठने की आशा से आपका भजन करने के लिए आया था, लेकिन आप कौन है, त्वं प्राप्तवन् देव मुनिन्द्र गुह्यम्, आपको प्राप्त करना तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन ऐसे भगवान, ऐसे आत्माराम स्वरूप, ऐसे भगवान का दर्शन करके आज मैं आनंदित हो गया, इसलिए वरम न याचे, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। तब भगवान कहने लगे, देखो मेरा दर्शन तो इस प्रकार जाता नहीं, मेरा दर्शन विफल तो जाता है, तुम कुछ ना कुछ वर तो मांगो। तब ध्रुव महाराज कहते हैं, मुझे एक ही वर चाहिए, क्या, भक्ति मोह प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो, मुझे यदि आप देना चाहते हैं तो अपने भक्तों का संग दीजिए, संत के संग सदा मेरे सदा मुझे सत्संग प्राप्त हो, भगवान का भजन में किसी प्रकार कर सकूं। इस प्रकार भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव जी जब पुनः आए हैं घर में, उनके पिताजी उत्थानपाद ने भी उनको गले से लगाया है, गले से लगाकर और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि 36,000 साल तक तुम ये अकंठक 36,000 साल तक तुम ये सिंहासन पर विराजमान रहोगे, तुम और इसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी तुम क्या, ध्रुव लोक तुम्हें प्राप्त होगा। आज जो हम ध्रुव तारा देखते हैं आसमान में, वो वही ध्रुव लोक है, प्रलय होने पर भी वह ध्रुव तारा अटल रहता है, इस प्रकार जो वैकुंठ के समान ही उस ध्रुव तारा को बताया। तो इस प्रकार का वर प्राप्त करके और ध्रुव महाराज ने 36,000 साल तक शासन किया। यहाँ पर एक शिक्षा का विषय ये भी है, देखो कि यदि हम कुछ मांगना चाहते हैं तो एकमात्र भगवान से मांगो, एकमात्र भगवान से मांगो, क्यों, क्योंकि ये चीज तो सभी को पता है
कि इस संसार की सारी वस्तुएं दुखदायक हैं। ऐसा होने पर भी हमारे हृदय की इच्छा है कि हम पाना चाहते हैं, तो उस इच्छा को लेकर यदि तुम भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान उसे पूर्ण भी कर देंगे और तुम्हारे हृदय में जो उसको भोग करने की आशा है उसे भी मिटा देंगे। ध्रुव महाराज चाहते तो थे पिताजी से भी बड़ा राज्य, लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया तो उस राज्य की अभिलाषा भी उनके हृदय से मिट गई, हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो गया। तो इसलिए यदि चाहते हो भगवान, यदि कुछ हृदय में आशा भी है, भगवान का भजन करो। जैसे उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं, अगर कोई बच्चा है, बच्चे के पास में पैसे हैं, बच्चा यदि दुकान पे जाकर कहे कि मुझे जहर दे दो, दुकान वाला उसको दे देगा कि नहीं? नहीं देगा। एक पैसा दो और दुकान वाले से ले लो, क्यों नहीं देगा? दे देगा ना। लेकिन वही बच्चा अपनी माँ से कहे कि माँ मुझे जहर दे दो, माँ देगी? माँ नहीं देगी। तो यही फर्क बता रहे हैं कि यदि हम किसी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमें धन दो, सुख दो, ऐश्वर्य दो, वो इसका परिणाम क्या होगा ये बिना विचार किए प्रदान कर देंगे। लेकिन यदि हम भगवान से मांगे, भगवान कौन है? हमारी माँ, भगवान हमारे पिता हैं। भगवान विचार करेंगे कि इस वस्तु को यदि मैं इसे प्रदान करूं उससे इसका कल्याण होगा कि नहीं। यदि कल्याण नहीं है तो भगवान नहीं प्रदान करेंगे, और यदि प्रदान कर भी दी तो उसको भोग करने की जो आशा है वही हृदय से पूर्ण रूप में चली जाएगी। इसलिए भगवान का भजन, यदि कुछ चाहते हो तो भगवान से ही मांगो। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव महाराज को इस प्रकार का राज्य करने के बाद में उन्होंने देखा एक दिन मृत्यु साक्षात वहां पर उपस्थित है। एक बड़ी ही विचित्र स्त्री, उनके सफेद वस्त्र और बाल पूरे खुले हुए, इतना भयानक रूप करके जब वहां पर उपस्थित हुई, ध्रुव महाराज ने प्रश्न किया, बोले तुम कौन हो? उसने कहा मैं काल हूँ, मैं मृत्यु साक्षात। तो बोले क्या चाहती हूँ? बोले आपका समय शेष हुआ है, आप अब ये जड़ शरीर को कोई भी मेरी सहायता के बिना, मेरा स्पर्श करे बिना कोई भी जड़ शरीर को छोड़ नहीं सकता। उस समय पर भगवान की प्रार्थना करके ध्रुव महाराज ने जब संकल्प किया है, साक्षात रूप वहां से वैकुंठ से विमान उपस्थित हुआ, और क्योंकि अप्राकृत वस्तु भगवान का विमान इस जड़ जगत को स्पर्श नहीं करेगा तो यहाँ से ऊपर उठा हुआ था, इसलिए क्या किया ध्रुव महाराज ने उसी मृत्यु को कहा कि तुम यहाँ पर बैठो। मृत्यु के सर पर पैर रखते हुए सशरीर उस विमान में बैठकर और ध्रुव महाराज ने भगवत लोक को गमन किया। इतना सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज का पद। और भगवत धाम जाने से पहले ध्रुव महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, बोले मेरी माँ को बुलाओ, मेरी माँ को बुलाओ। क्यों? क्योंकि आज मैं भगवान के पद को प्राप्त कर रहा हूँ, किस लिए? एकमात्र मेरी माँ के उपदेश। यदि मेरी माँ मुझे भगवत भजन करने का उपदेश नहीं देती तो क्या मैं भगवान का भजन करता? मैं भगवान का भजन करता ही नहीं। इसलिए मेरी माँ को पहले बुलाओ, मैं अपनी माँ के साथ में ही वैकुंठ लोक जाऊंगा। तब वहां पर विष्णुदूत स्वयं कहते हैं, बोले देख तुमसे पहले तुम्हारी माँ उस रथ में जा रही है। आगे दिखा दिया, वो देखो एक रथ जिसके अंदर तुम्हारी माँ तुमसे पहले ही भगवत धाम को गमन कर रही है। यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि जो माँ अपने बच्चों को भगवत भजन करने का उपदेश देती है उस माँ की कोख सार्थक है, उस माँ का गर्भ धारण करना सार्थक है। जब भगवान राम वनवास जाएंगे उस समय पर लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु आपकी सेवा के लिए मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूँ। भगवान राम कहते हैं कि तुम जाओ सुमित्रा से पूछ के आओ, सुमित्रा मैया से एक बार पूछ लो। जब लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया से पूछने गए हैं तो सुमित्रा मैया कहती, बोले बेटा निश्चय तुम भगवान के साथ में जाओ, राम के साथ में जाओ, क्योंकि तुम जैसा पुत्र प्राप्त करके आज मेरी गर्भ सार्थक हो गया, आज मेरी कोख सार्थक हो गई कि मेरे कोख से तुम जैसा बेटा जन्म हुआ है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती यज्ञ सोई, जो जिस उसी माँ का गर्भ धारण करना सार्थक है जिनकी संतान भगवान का भजन करती है। रघुपति भक्ति जासु सुत होई, जिसके पुत्र ने जिसके सुत ने भगवान का भजन किया है, श्री राम रघुवीर का भजन किया है, कृष्ण का भजन किया है,
उन्हीं माताओं का गर्भ धारण करना सार्थक है, नहीं तो कहते हैं उन माँ को बांझ रहना चाहिए। भगवान का भजन करने के लिए यदि अपने पुत्र को, यदि अपनी संतान को नियुक्त नहीं कहा करा तो बांझ रहो, बांझ रहे, पुत्र जन्म देने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों 9-9 मास तक संतान को गर्भ में धारण करोगे, क्यों प्रसव पीड़ा सहन करोगे, इतना लालन पालन करके उसको इतना बड़ा बनाओगे और अंततः भगवान का भजन नहीं करेगा, जानवरों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में ही यदि लगा रहेगा तो फिर उसका क्या लाभ है। मना कर देती सुमित्रा कि यदि अपने बच्चे को, यदि अपनी संतान को भगवत भजन में नियुक्त नहीं कर सकते तो संतान जन्म मत दो। इसलिए ध्रुव महाराज उन्होंने अपनी माँ को बुलाया। कभी एक पिता अगर भक्ति करेगा तो क्या होगा, कभी उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाएगा। भागवत में कहते हैं एक बेटा भक्ति करके उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाती है, और जो पूर्वज लोग पहले गए ना वो नाचना शुरू कर देते हैं, हमारे कितने भाग्य हमारी वंश में एक बेटा भजन कर रहा है, नाचना कहते पृथ्वी धन्य हो जाती है। और जो पिता माता की वो औलाद बनता है, वो पिता माता तो बच्चे से पहले पिता माता उधार हो जाती है अगर बच्चे भजन नहीं किया। देखो पुराने में कथा है, बोले एक समय एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, जब स्वर्ग में पहुंचा देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य करके स्वर्ग गया और सोने की सिंहासन में बैठा हुआ, उनको सब चामर भजन कर रहे लेकिन बैठी बैठी कर रो रहा है, दुखी हो रहा है। माता ध्यान से सुना, दुखी हो रहा है। तब वो योगी ने पूछा, भैया तू इतने अच्छे कर्म करके स्वर्ग में आए और यहाँ अप्सरिया सेवा कर रही है, सोने की सिंहासन में रो रही है, देखो क्या कहता है। बोले मैंने तो बच्चे जन्म दिया है, पुण्य कर्म किया स्वर्ग में आए, लेकिन मेरे से भी गलती हो गई, यदि ये बच्चों को मैंने भगवान के भजन में नहीं किया और जो मैं पैसा छोड़ करके आया था, अभी ये पैसा से बच्चे शराब पी रहे, मांस खा रहे, चूंकि पैसा को मैंने ही छोड़ करके आया था, मेरे पैसा को गलत में लगा रहे हैं, इसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ा, स्वर्ग में भी नहीं छोड़ा है। इसलिए कहते अगर बच्चे को जन्म दिया उनको क्या करो, भगवान के भजन में लगाओ, भगवान की भक्ति में बच्चे को लगाओ, ठीक है ना। इसलिए बच्चों घर में नियम बनाओ, घर में क्या नियम बनाओ, घर में ये नियम बनाओ, बच्चों को बोलो देखो बच्चों जब तक एक माला भगवान की नहीं कर लोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, जब तक एक माला तुम नहीं करोगे तुम खाना, नियम बनाओ, नियम बनाओ। इसलिए हमारे जो बड़े गुरुजी जो थे, हमारे बड़े गुरुजी किसने आकर के बोले गुरुजी बच्चे बात नहीं सुनते, ये घर घर की कहानी, बच्चे बात नहीं सुनते। गुरुजी बोले बेटा रामायण कभी पढ़े हो, बोले नहीं, बोले बच्चों को रामायण पढ़ा है, बोले नहीं, बोले जो पढ़ोगे नहीं बच्चों को नहीं पढ़ा तेरे को दंड तो तेरे को भोगना पड़ेगा। कहाँ पर बताए पिता माता की सेवा करनी चाहिए, ये रामायण कहता है प्रात उठ नहीं रघुनाथा और मात पीत गुरु नमय माता, भगवान सवेरे उठ करके पहले पिता माता की जन्म छूते थे ठाकुर जी। रामायण देखे होंगे जब दशरथ महाराज सैनिक किए हुए ठाकुर स्वयं पिताजी के चरणों की सेवा कर रहे, रामायण पढ़ोगे तभी तो बच्चों को संस्कार बनेगा, खुद पढ़ो पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को तो रामायण नहीं पढ़ा, स्मार्टफोन दे ले बेटा 10-20-50 हजार रुपए का स्मार्टफोन दे जिससे तुम्हारी जीवन बिगड़ जाए। देखो अगर चाहते हो घर आनंदमय बने, घर भगवान के धाम बने, क्या करो, पहले अपना माँ को पिता को भक्त बनना पड़ेगा, तभी बच्चे तुमसे देख करके तभी सीखेंगे कि पहला गुरु पिता माता। अभी जयपुर में, जब जयपुर से आए हम आ रहा था, देखा कि बच्चे को मुसलमान बच्चा, मेरे को पता नहीं मुसलमान बच्चा, मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या, उसने एक नाम बताया, उससे पता चला मुसलमान। मैंने कहा तेरे को कुरान पढ़ना, बच्चा इतना छोटा था, मैंने कहा बेटा तेरे को कुरान आता है, छाती फुला कर यार कुरान आती है, बोले बोलो कुरान सुना शुरू कर दिया। मैंने कहा बच्चा तुम्हारे धर्म में कितने साल उम्र में कुरान पढ़ा था, कहते हमारी धर्म में 2 साल उम्र में कंपलसरी उसको कुरान पढ़ना पड़ेगा ही। आप शुक्रवार के दिन देखना हम तो दिल्ली में उधर रहते हैं, टोपी पहना करके बच्चों को लेकर के मेन रोड को जाम कर देते हैं, शुक्रवार का दिन रोड बंद कर देते हैं, रोज शुक्रवार का दिन हजार हजार मुसलमान सबके सब जाते हैं अपना चर्च अपना कहा जाते हैं मस्जिद में जाते हैं और कुरान पढ़ते हैं। हम जा रहे थे ट्रेन में, कहीं उनको जा रहे थे कहीं माइक में सुनाई पड़ गया, बस वहीं पर बैठ करके ट्रेन में बैठ करना शुरू कर दिया, ट्रेन में बैठ कर करना शुरू कर दिया। आप हिंदुओं में किसको पूछो गीता का पंचक श्लोक बोलो, किसी हिंदू को पूछ लो
गीता की हमारे मूल ग्रंथ गीता है, एक श्लोक सुना। कौन बोलेगा? पूछो इनको कौन हीरो का नाम, कौन हीरोइन का नाम, कौन सारी बात। इतने उल्टा पुल्टा बात को हम याद करते हैं, लेकिन कोई भक्ति में कोई भी रुचि नहीं। पर हमारी संस्कृति बढ़ेगा कैसे? संस्कृति कैसे बढ़ेगी? हमारी संस्कृति रक्षा कैसे होगा? घर भगवान के धाम कैसे बनेगा? इसलिए क्या करो, सब पिता माता हरिनाम करो और घर में नियम बनाओ। जब तक तुम एक माला नहीं करोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आप बोलोगे बच्चा बात नहीं सुने, देखो अच्छे तरह सुनो। जब स्कूल में बच्चे को भेजना होता है माने 6-7 बजे, बच्चे को कितना बजे उठाते हो? 5 बजे उठा देते हो? उठा देगी नहीं? उसको स्नान करके कपड़ा चुपड़ा पहना करके उसको तब स्कूल छोड़ दो। यही बच्चा जब थोड़ा पढ़ लिखा जाता है ना, क्या बोलता है पिता माता, भाई तुम गवार तुम क्या जानती हो, हमें तो सिखा दो। हम इतना PhD किया, डॉक्टर इंजीनियर किया, वही बच्चा पिता माता को गाली निकालता है। जब बच्चे को गाली निकालने का सिखा उसको सिखाने के लिए स्कूल भेज सकते हो, उसको संस्कार नहीं बना सकते, रामायण नहीं पढ़ा सकते, गीता नहीं पढ़ा सकते, उसको 10-20 मिनट कम से कम प्रभु का भक्ति में नहीं लगा सकते हो। लगा सकते हैं कि नहीं? बोला जोर जबरदस्ती माला नहीं करोगे तुमको खाना नहीं मिलेगा। तुमको पहले बैठ कर एक माला का जप करो, नहीं तो रामायण तो चौपाई पढ़ो, नहीं तो गीता का श्लोक पढ़ो। तुम कम से कम इतना तो कर सकते, कर सकते कि नहीं? पहले तुमको करना पड़ेगा। पहले किसको करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि पहला गुरु माँ, उसके बाद में पिताजी। संस्कार यहीं से पड़ती, ठीक है ना।